कृष्णा ने कहा तू मेरे घर में आकर के मेरे को बोल रहे हो, परछाई भी वही बोला।
अभी कृष्ण जो बोले परछाई वही बोलता है, लेकिन कृष्ण को तो पता नहीं अपना परछाई है। कृष्ण तो परछाई को साथ में लड़ाई करना शुरू कर दी। मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई है नहीं, ये किसको साथ में लड़ झगड़ा है। मैया से चुप्पी से आकर के देखा, कृष्ण अपना परछाई को साथ में ही लड़ रहे। मैया ने बोले लाला तू किससे लड़ रहे हो। बोले भैया मैया भी देख लिया। इतने में कृष्ण छलांग लगाया, वो जो मणि पिलर था ना उसको ऐसे पकड़ लिया। बोले मैया मैया हमारे घर में कुछ चोर घुस आए। बोले कहाँ पर। बोले इसके अंदर में। बोले घर में तो चोर आ गया, तेरे हाथ में मकर कैसे आ गया। कृष्ण ने बोला ये बात सही है। बोले भैया तुमने जो मेरे हाथों में कंगन पहना दी थी ना, वो कंगन गर्म हो गया था, मैंने मखन में डाल के तो ठंडा कर रहा। बोले अपना हाथ उठो ठंडा कर रहा था लेकिन तेरे मुंह में कहा जा रही है। बोले भैया ये भी सही है। बोले ये चिट्ठी चल रहा था और चिट्ठी को हटाने के लिए गया तो मुंह में मखन लग गया। भैया ने बोली लाला तू मेरे अकेले लाला है, जो कुछ बनाते वो तेरे लिए, फिर तू सब चोरी करके गिर पाते हो। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार पकड़ा गया तो लगता है जिंदगी पकड़ जिंदगी में पकड़ा जाऊ। ऐसे ही कृष्ण घर घर में प्रभु मखन चोरी करे। एक दिन एक गोपी ने देखा कृष्ण तो आते हैं मखन खाते हैं, एक बार तो कृष्ण दर्शन होता लेकिन कृष्ण भाग जाते, फिर दर्शन नहीं होता। आज मैं घर में कन्हैया को बांध कर रखूंगी और बड़ी अच्छे तरह से उनको अच्छे तरह से मैं निहारूंगी, उसको देखूंगी। आज कन्हैया को मैं बांध दूंगी। गोपी पहले से ही मटकी में मखन को धर दी और कोने में छुप करके बैठी रही, आज कन्हैया को बांध करके रखूंगी। कृष्ण आए और मखन खाए। मखन खाने के बाद गोपी छड़ पकड़ी, बोले कहाँ जाओगे, आज घर में तेरे को बांध करके रखूंगी। बोले गोपी आईदा में और नहीं आऊंगा, आज छोड़ दे, कल नहीं आऊंगा, छोड़ दे। बोले नहीं, एक खंभे में हाथ रख, अपना चोटी से एक रिबन होता है ना पहले, अब उसको निकाले, निकाल करके कृष्ण को जो बांधने के लिए दे। भगवान का हाथ कैसे है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, जब उसको बांधने जाए और खिसक जाए बंधने में नहीं आए। कृष्ण ने कहा गोपी तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई कि नहीं। बोले नहीं। बोले जब तक खुद बंधी नहीं जाओ मेरे को बांधो कैसे। बोले तेरे को क्या बांधना आता है। बोले और क्या। बोले सिखा दे। बोले रख हाथ, तेरे को सिखाता हूँ। कृष्ण बोले एक लपटे दो लपटे, एक कान दो कान और गुण का अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, मैं तो अपना प्रेम में विश्व ब्रह्मांड को बांध करके रखा हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं किसको खोलना कभी सिखाई, मैं तो सबको बांधने सबको मैं बांधना ही सीखा, दुनिया को अपना प्रेम में दुनिया को मैंने बांध रखा, मैंने कभी किसको खोला ही नहीं। इतने में कृष्ण अंगूठा दिखा नव दम प्यार हो गए। ऐसे ही कृष्ण घर घर में मखन चोरी कर रहे थे। एक समय एक गोपी ने देखा मैया यशोदा से सुने शिकायत की। मैया ने बोली देखो मेरे को विश्वास नहीं होता है, मेरे को विश्वास नहीं होता है कृष्ण मखन चोरी करता है, क्योंकि मेरे को रंगे सुना लिया बनवाने के लिए, सबके लिए बनवा देना। मेरे को विश्वास नहीं होता है कृष्ण मखन कुछ खर्च रख लेना लास्ट में सबको देना है, इसलिए मेरे को विश्वास नहीं होता है। क्या विश्वास नहीं होता है, कृष्ण मखन चोरी करता है। एक बार मेरे को रंगे हाथों से पकड़वा दो फिर तो मैं मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी। एक दिन सचमुच से कृष्ण जब मखन चोरी कर रहा था, इतने में मैया यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। जब मैया ने पकड़ लिया कन्हैया, गोपी ने पकड़ लिया कन्हैया को, बोले आज कहाँ जाओगे, मैया मानती नहीं तुम मखन चोरी करते हो, आज तुमको तो रंगे हाथ से पकड़ा करके ले जाऊंगी। कृष्ण ने कहा देख गोपी मैं तो सोच रहा था अपना घर में ही मखन में चोरी कर रहा था, बोले अपना घर में चोरी कर रहा था, चलो मैया को पास में। अभी उन्हें पकड़ करके जब ले चली, इतने में सामने बैठे हुए थे नंद बाबा। नंद बाबा लगते हैं जेठ,
आपको पता होगा जेठ को सबसे सब पर्दा करते थे, अभी भी पर्दा करते हैं, पढ़ते भी नहीं, जेठ को पर्दा करते हैं। देखा सामने जेठ बैठ रही, घर में कई समय जेठ को सामने जाऊँ, पीछे दरवाजा से मैं घूम करके चले जाता हूँ, पीछे दरवाजा से मैं घूम करके जाती हूँ। इतने में अपना घूंघट उतार दी और लाला के ऊपर में कपड़ा धर दी, धर करके जब पीछे दरवाजा से गई, बोले मैया जसोदे, मैया मेरी क्या बात है, बोले तेरे को विश्वास नहीं होता है ना, तेरे लाला मक्खन चोरी करता है, बोले नहीं, बोले आज तेरे लाला को तुम बैठे, इसलिए तेरे लाला को आज मैं रंगे हाथों से मैंने पकड़ करके लाई हूँ। लेकिन उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को थप थप लगा करके सुला रही है। मैया बोली मेरे लाला तो घर में सो रहा है, फिर इसको पकड़ कर किसको लाई है। इतने में मैया बाहर निकल करके देखती है अपना बेटे को ही वो पकड़ करके लाई है, बोले मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना लाला को पकड़ करके लाई हो, बोले मेरे लाला। इतने में अपना घूंघट निकाल जब उसने कपड़े को खोला, देखा अपना बेटा और कृष्ण अंदर में सो रहे थे। इतने में कृष्ण आंख को मलते 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 आए, कृष्ण के बोले भैया तुमने देख लिया ये गोपियां कितने झूठ बोलती हैं, मैं कभी अपना घर छोड़कर कहीं जाता ही नहीं बाहर, और मेरे नाम पर शिकायत करती रहती है, अगर ऐसे बोलेगी ना मैं सचमुच से रोज कल से जाया कर। वो गोपी तो एकदम अक्के, क्या बात है, मैंने तेरे कितने पाप पड़ा, तेरे सांस की, तेरे खसम की, तेरे ननद की है, तेरे बिछुआ की कितने पाप पड़ा, आज छोड़ते कल से नहीं आऊंगो, देखा तू मेरे को जोर जबरदस्ती नहीं आई ना, देखा तेरे बेटे को ही मैं अपना जोर बना दिया, तेरे बेटे को ही जोर बना दिया, अगर आइंदा में अगर कभी मेरे को पकड़ करके लाओगे ना मैं तेरे खसम को जोर बना दू। तो इतने में बोले कन्हैया मैं तो कान पकड़ रही हूँ, कभी भविष्य में और गलत कभी करूंगी, ऐसे ही कृष्णा घर घर में मक्खन चोरी करते थे। अभी ब्रज में एक गोपी शादी करके आए, गोपी लिखी पड़ी थोड़ी, वो लिखी पड़ी चालाक चतुर थी, उसको पता चला कृष्ण घर घर में मक्खन तो चोरी करते हैं लेकिन उनको कोई भी नहीं पकड़ पाते। गोपी बोली मैं कल दिखा दूंगी, बोले जीत ना रखे अपनी जोर में गाली दी, अपना सामान उधर रख नहीं पाती और दोष किस पर देती है, दोष दूसरों को देती है, मैं देखूंगी कन्या कैसे मक्खन चोरी करता है। वो गोपी एकदम सवेरे सवेरे नहा धो करके लठिया लेकर के दरवाजे के सामने बैठी, वहां से आते ही नहीं। इतने में कृष्णा अपना सखा ग्वाल बाल के साथ में आए, देखा वो गोपी तो दरवाजे के सामने बैठी हुई, कृष्ण एक चक्कर लगा, कृष्णा ने दो चक्कर लगाए, फिर कृष्णा तीन चक्कर लगाए, देखा वो गोपी तो लठिया लेकर बैठी हुई बिस्तर से हटी नहीं रही है। इतने में वो गोपी ने बोले देख कन्हैया अगर कल से इधर से आया ना सीधा पकड़ करके भैया को पास ले जाऊंगा तेरे को। कृष्ण ने कहा मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था, तुमने मेरे को टोक दी, बोले तेरे सारे नारी नक्षत्र मेरे को पता है तू कहाँ जाता है नहीं करता है, खबरदार कल इसी गली में नहीं आना। कृष्ण तो दूसरे दिन उसी गली में ही आना छोड़ दिया, लेकिन ये गोपियों को कन्हैया को देखने वगैरह चैन कहाँ पड़े, एक प्रहर हो गया, दो प्रहर, तीन प्रहर, जब कृष्ण नहीं आए गोपियां तो कृष्ण विरह में तड़पड़ाने लगती, बोले आज सारा दिन वो मक्खन चोर का मुख दर्शन नहीं मिला। गोपियां जितने थी झुंड के झुंड बना करके मैया जसोदा के घर में आ गई कृष्ण को दर्शन करने के लिए, इधर तक कृष्ण को देख रही थी और इधर शिकायत कर रही थी, बोले मैया जसोदे, बोले कहा बात है, बोले लगता है ये गोकुल छोड़ कर हमें और किसी गांव में जाना पड़ेगा, बोले क्या हो गया, क्या बोले क्या हो गया, तेरे लाला घर में रोज रोज मक्खन चोरी करता है। मैया मैंने बोली एक काम करियो, मेरे लाला बड़े छोटो से है, बोले हाँ, बोले छीके के ऊपर में रख लिया करना, तेरे लाला खादी नहीं पहुंचेगा, बोले मैया हमने सो भी करके देख लिया, बोले फिर घर में कोई छीना सीढ़ी बनाया, बोले बनाने का जरूरत नहीं वो खुद बना देता है,
बोले कैसे, बोले ताऊ भैया थोड़ा फोटोस है उनको नीचे बिठा दे, उसको ऊपर मधु मंगल, उसको ऊपर सीता और उसको ऊपर खुद चढ़ जाता है, हैं चढ़ करके अगर हाथ गया तो गया, नहीं गया ना डंडे से मार करके मट्टी फोड़ देती है और एक बूंद नीचे गिरने नहीं दे, सब सटका जाता है, सब सटका जाते हैं सबके साथ। मैया बोले एक काम करियो, मेरे लाला अंधकार को बड़े डरता है, अंधकार में रख दो, बोले हमने सो भी करके देख लिया, बोले पैर बोले तो लाला का शरीर में जो अलंकार पहनाते हो गिरे जवरा उसी से ही अपने आप घर उजाला हो जाता है, अपने आप उजाला हो जाता है घर। बोले फिर ये अलंकार को मैं उतार दू, बोले नहीं तेरी सौगंध हाथ मत लगाओ, बोले फिर बोले तेरे लाला की जो नख है ना, ये नख में इतनी प्रकाश है जब वो अंदर में प्रवेश करे अपने आप घर उजाला हो जाता है, अपने आप घर उजाला हो जाता है। इतने में भैया ने बोले देखो कोई चिंता मत करो, मेरे लाला जितने मक्खन खाता है ना उससे डबल डबल मेरे घर से जाएगा। बोले भैया तेरी आशीर्वाद से घर में कभी किसी चीज की नहीं, क्यों तो आशीर्वाद कर, इसलिए गोपियां कृष्ण को दर्शन करके प्रसन्न होकर के चल जाती। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण से बोले, बोले कृष्ण लगता है तेरा शादी और नहीं हुई। बोले क्यों मैया मेरी शादी नहीं होगी, बोले बताओ तेरे को कौन बेटी देगा, पूरा ब्रज में हल्ला हो रहा है, तुम मक्खन चोरी करते हो, चोरी करता हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा, लगता है तुम कुमारा का कुमार रह जाओगे, तेरी शादी वादी नहीं हुई। कृष्ण ने देखा भैया भैया करके मेरी शादी नहीं हुई, आज सारा दुनिया देखना लिखाई पढ़ाई क्यों करते हो, नौकरी चाकरी क्यों करते हो, दुकान मकान क्यों बनाते हो, इसलिए शादी के लिए ना, सब कुछ शादी के लिए करते हैं। अरे भैया कहती है मेरी शादी नहीं हुई। कृष्ण सोचा गोपियों को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं जैसे मैया को विश्वास हो जाए मेरे लाला सचमुच से चोरी नहीं करता है। देखो कन्या क्या एग्जाम बोलती है, बोले मैया मोरी मैंने ही मान खायो, मैया मोरी मैंने ही मान छीके के ऊपर में बता मेरे हाथ कैसे पहुंचा, हाथ कैसे पहुंचा। मैया बोले तेरे मुंह में हाथ में जो मक्खन कहां जाता है। बोले मैया क्या बताऊं, जो सखा लोग है ना ये तो जोर जबरदस्ती मक्खन चोरी करते हैं और मेरे हाथ और मुंह में लगा करके ना मेरे को चोर बना देते हैं, और तू बड़ी भोली भाली इनकी बात में जल्दी आ जाती हो और मेरे बात में तेरे कोई विश्वास नहीं। कृष्ण ने कहा लगता है मैया में तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर के फेंक दिया और तू वहां से उठा करके मेरे को पालना करनी है,
क्यों वो दुनिया कहते मक्खन चोर और तुम भी कहते मक्खन चोर। जब इतना बोले ना इतने में मैया के हृदय तो पानी पानी हो गया। अरे मैया ने कृष्ण को गोद में धर लेती है। इतने में मैया कहते नहीं लाला तेने मक्खन नहीं खाई, तेने मक्खन नहीं चोरी करी। फिर कृष्ण उसको बदला देते हैं, क्या बोलते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खाया। बोले भैया मैंने मक्खन खाया, मैंने ही मक्खन खाया। इसलिए बोले भगवान ये मक्खन चोरी क्यों करते थे, देखो इसका रहस्य बता। इसका नाम है मक्खन। मक्खन मतलब क्या, बोले मक्ख मतलब होता है क्रोध और ना मतलब नहीं। कृष्ण किस चीज को चोरी करते हैं, कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं जाते हैं, वो तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक, वो क्या चोरी करेंगे। वो गोपियों को तीर को चुराने के लिए उनके मन को चोरी करने जाते हैं। इसलिए भगवान किसकी मन चोरी करते हैं, बोले मक्खन। मक्ख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। जिसके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ नहीं, ठाकुर जी उनके हृदय को चोरी करते हैं। बोले किसके हृदय में नहीं, बोले गोपियों का हृदय में, भक्तों का हृदय में। इसलिए भगवान मक्खन चोरी नहीं, उनकी मन को दीन को चुराने के लिए जाते हैं। इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते हैं जगत में सबसे बड़ा चोर कौन है, बोले कृष्ण। बोले ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। कहते कृष्ण क्या करते हैं, हमारी जन्म जन्मांतर का पाप को चोरी करते थे, सभी के हृदय को चोरी करते हैं, सभी की दुख को चोरी करते हैं, सभी की कष्ट को जो चोरी करते हैं वो कौन है, श्री मक्खन चोर श्री भगवान। बल श्री मक्खन चोर भगवान की। हाँ देखो आप लोग ने मक्खन में मक्खन बनाते हो, कौन कौन घर में मक्खन बनाए आप बताओ तो, कौन कौन मक्खन बनाए, सबके सब बनाए। हाँ देखो कृष्ण मक्खन क्यों चोरी करते थे, जैसे मक्खन बनाना सबसे पहले दूध को लाओ, दूध को ला कर क्या करो, पहले इसको गर्म करो, क्या करो गर्म। ये गर्म करना मतलब क्या, जब किसी हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा हो, मेरे पर ठाकुर कब मिले, ठाकुर जी कब मिले, यही उसके हृदय में जब गर्म है। दूध को अभी गर्म हो गया, लेकिन जब गर्म हो जाएगा उसको बाद में उसको ठंडा करके जमन डाल दो, लेकिन जमन ज्यादा होगा ना फिर खट्टा हो जाएगा, थोड़ी सी जमन होनी चाहिए जितना जरूरत है। बोले ये जमन क्या है, बोले जमन वह है जब हृदय में उत्कंठा होगा, भगवान कब मिले भगवान कब मिले, फिर भगवत इच्छा से हमें सदगुरु की प्राप्ति होना। सदगुरु हमें जो भगवान का नाम देते हैं यही जमन है, यही जमन है। अभी दही जम गया पर उसको बाद में क्या करो, बोले उसको मंथन करो। बोले मतलब क्या है, जैसे गुरु जी ने माला दिया हरिनाम दिया, अगर माला को तुम लटका कर रख लो तो भगवान मिल जाएंगे, फिर क्या करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए, माला जप करनी, ठीक ठीक से माला जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए भगवान की सेवा पूजा भक्ति माला जप ठीक ठीक से करनी चाहिए। इसका इसका मतलब हो गया मंथन। जब मंथन करोगे फिर क्या होगा, एक तरफ में मक्खन और दूसरे तरफ में छाछ। बोले ये मक्खन क्या है, बोले भगवान की प्रेम। जब हम साधन करेंगे हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होगा, ये बच्चों को बहुत होगा। इसलिए हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होगा और ये भगवत जब प्रेम प्रकट होगा, नहीं नहीं कि बच्चों को उठा कर प्रभु जी ये बच्चों को बाहर निकाल दो, ये कथा नहीं सुनेंगे। इसलिए हृदय में प्रेम प्रकट होगा, जब प्रेम प्रकट होगा फिर क्या होगा, फिर भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान फिर दौड़ दौड़ करके तुम्हारे पास में आए, तुम्हारी घर में ठाकुर जी आएंगे, फिर तो रोज ठाकुर का दर्शन करो। प्लस भी मखन चोर भगवान की जय। जय श्री राधे। एक दिन मैया यशोदा सोच रही थी, भैया ये रोज रोज गोपियां आ करके शिकायत करते हैं, रोज रोज गोपियां, क्या सचमुच से मेरे घर का मक्खन क्या खटा हुआ है,
अब ये गोपियों का घर का क्या मखन मीठा होता है? नहीं तो मेरे लाला अपना घर की मखन छोड़ करके मेरे दूसरे घर में क्यों जाता है? तो लगता है मेरे घर में जो काम करने वाली है ना, उनको ठीक ठीक से मक्खन निकालना नहीं आता। देखो अगर ज्यादा दिन चार दिन बाद अगर मक्खन को मंथन करोगे ना, वो मक्खन कटाओ, लेकिन आज जमा कल उसको मंथन करो, देखना मक्खन कटा नहीं मक्खन मीठा होगा। इसलिए भैया जसोदा जी के घर में ना लाख धेनु गैया और उसमें ऐसे 8-10 गैया है जिनकी कान काला रंग हो, जिसका कान कौन सा रंग हो, काला रंग हो, क्योंकि वो गैया को कहते हैं पद्म गंधा गावी। पद्म गंधा मतलब उसकी दूध से वो कमल फूल का खुशबू निकलता है, केवल उसी का दूध से। और उनको पास में न लाख धेनु, केवल 8-10 गैया जो पद्म गंधा गावी, मैया अपना हाथों से दूध को उसमें निकाल करके जितने दासियों को बोल देता है तो अपना अपना घर का काम कर, मैं आज स्वयं जमा करके मैं स्वयं मंथन करूंगी। और सवेरे सवेरे मैया जसोदा उठ गई, उठ करके क्या कर रही थी, दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन करते समय मैया यहाँ से यहाँ तो चूड़ी पहनी थी, जब दधि मंथन कर रही थी इतना बड़ा मटकी इतना क्विंटल दूध, और जब दधि मंथन कर रही थी ताज की जो आवाज है ना, जैसे हम लोग भजन करते हैं ना कीर्तन करते हैं, देखना कि जो मजीरा है कभी ये ताज की जो चूड़िया है ये मजीरा का काम कर रहा था, और उसमें जो रही थी उसमें जो घर 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 आवाज हो रहा था, जैसे ढोलकी बजाते ना मृदंग बजाते हैं वो मृदंग की आवाज आ रही। अब लक्ष्य करके देखना वो जो मृदंग है उसका आवाज को देख ले, उसमें जो आवाज आती है बोले धिक तांग धिक तांग धिक तांग, मतलब उसका जीवन को अधिकार है जिनको भगवान ये मानव शरीर पर दे दिया। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते ना, केवल जानवर जैसे खा पी करके अपना जीवन को त्याग ले दिया, कहते उनको जीवन को अधिकार है, उनको जीवन को अधिकार है, उनका जीवन को अधिकार है जो भजन रोगी नहीं करते हैं। और इधर मैया क्या कर रही थी, दधि मंथन कर रही थी, उधर क्या कर रही थी बोले ठाकुर का कीर्तन गा रही थी, बोले गोविंद दामो तरमाद मेरे, गोविंद दामो तरमाद मेरे, गोविंद दामो तरमाद मेरे, गोविंद दामो हाथों में ही जब कोई काम करो ठाकुर का सेवा मानते।
घर में झाड़ू लगा तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? घर में नहीं, कहाँ लगा रहे हो? भगवान की मंदिर में। हाँ, भगवान की मंदिर में। खाना बना रहे हो, बोले खाना क्यों बना रहे हो? किसके लिए खाना बना रहे हो? ठाकुर जी के लिए, भोग लगेगा। इसने ठाकुर का नाम कर खुद खाओगे, प्याज लहसुन डाल करके। प्याज लहसुन डालोगे तो ठाकुर को भोग ही नहीं लग सकता है। कम से कम कथा में इतने करो प्याज लहसुन संपूर्ण बंद कर देना, तभी तो कथा सुनना सार्थक था। ऐसे इधर सुने इधर निकाल कर यहाँ चले गए। बोले बाबा आए, बाबा बोलना था बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हम तो प्याज लहसुन खाएंगे नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाना, ठीक है ना। इसलिए हाथों में जो कुछ करो ठाकुर जी की सेवा मान कर करो, और मुंह में क्या करो? ठाकुर जी की नाम। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप बोलो, मैं सुनता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अगर हाथों में ठाकुर का सेवा और मुंह में ठाकुर का नाम करो, इसका फल देखो। कृष्ण सो रहे थे पलंग के ऊपर, इतने में कृष्ण की नींद खुल गई। देखना बच्चों का नींद खुलती है ना, सबसे पहले मैया को बोलता मेरे माँ का दूध पीऊंगा। लेकिन देखा मैया है, मैया तो बैठी करके दधि मंथन कर रही है और कृष्ण कीर्तन कर रही थी। इतने में कृष्ण धीरे धीरे पलंग से उतरे, आ करके मैया को पीछे पकड़ लिए। बोले मैया मेरे को दूध पिला दे, मेरे को भूख लग रहा है। मैया बोली लाला चिंता मत करो, तेरे को दूध भी पिलाऊंगी, तेरे को मक्खन भी पिलाऊंगी। देख लाला अगर सूर्य उदय हो गए ना गर्म हो जाएगा, फिर ये मक्खन नहीं निकलेगा, थोड़ी सी रुक जा। बोले अभी भूख लग रहा है, बोले थोड़ी सी रुक जा। बोले मैया का जब तक काम बंद नहीं कर दूं तब तक मैया मेरे को दूध नहीं पिलाएगी। सामने घूम करके आए, दोनों हाथों से रह को पकड़ लो। बोले पहले मेरे को दूध पिला फिर काम कर। मैया ने देखा लाला तो बड़ा चतुर है, फिर उनको गोद में बैठा करके मैया लाला को दूध पिला रही थी। दूध कौन पी रहे हैं? भगवान। देखना साधारण बच्चे को स्तनपान कराओ, माता को आनंद आता है। जहाँ पर भगवान दूध पी रहे हैं, साधारण बात को थोड़ी है। मैया जसोदा लाला का मुख दर्शन कर रही थी, बार बार उनको चुमा चुंबन कर रही थी, और इधर स्थान पान करा रही थी। चूल्हे के ऊपर में दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी। अभी धीरे धीरे ये दूध ऊपर ऊपर करके आग में गिरती जा रहा था। बोले क्यों? बोले कारण ये दूध सोच रहा है मेरा जीवन तो बेकार, क्योंकि मैया की स्तन में इतने दूध है जैसे मानव खीर समुद्र जैसे, और कृष्ण का पेट कैसे, कल सुन रहे थे ना विश्व ब्रह्मांड, कृष्ण का पेट भी भरेगा नहीं, मैया का दूध भी खत्म नहीं होगा। लगता है कि कृष्ण सेवा में ही नहीं लग पाऊंगा। अगर ये जीवन को कृष्ण सेवा में नहीं लगा पाया तो क्या करनी चाहिए? ये जीवन को आग में ही समर्पण कर दो, आग में कूद करके प्राण को त्याग दे दो। इधर में मैया ने देखा अगर ये दूध उतल करके अगर आग में गिर जाए ना, क्या तो बच्चे का अमंगल है, बच्चे का कल्याण नहीं होता। इसलिए कभी भी दूध ऊपर करके आग में गिरनी चाहिए, माताओं को ध्यान रखनी चाहिए, ये बच्चों का अमंगल होता है। और जो अगर दूध ऊपर करके गिर गया ना, फिर क्या है, ये मलाई बनेगा नहीं, फिर मलाई नहीं बनेगा, फिर कहा तुम्हारे फिर मक्खन कहाँ से बनेगी? मैया ने कहा लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा, क्योंकि उधर दूध उफन रहा है। कृष्ण बोले आधा पेट भी भरा नहीं, अगर दूध अभी दूध से उतर जा, मेरे को भर पेट दूध पिला कर दे जाया करो। अभी मैया सोच रही है उधर दूध भी उफन रहा है और इधर पूत भी उफन रहा है, दोनों ही उफन रहे हैं, अभी क्या करनी चाहिए? बोले पहले ये दूध रखा करो, क्यों? मेरे स्तन में जो दूध कभी तक पिटा नहीं सकता है, लेकिन अगर ये दूध उफन करके गिर गया, एक तो बच्चे का अमंगल, फिर मलाई नहीं बनेगी, मलाई नहीं बनेगी तो फिर मक्खन कहाँ से पिलाऊंगी? बोले लाला थोड़ी सी कोर से उतर जा। बोले नहीं, जैसे बंदर बच्चा है ना, बंदर को पकड़ती है,
ऐसे कृष्ण तो भैया को जोर करके पकड़ लिया, बोले नहीं मेरे को भरपेट दूध पिला करके जाओ। मैया ने बोले उतर हुए नहीं, कैसे उसको पकड़े और जोर जबरदस्ती बैठा दी। कृष्ण रोते रह गए, मैया ने उधर जा करके दूध में पानी की छिड़का मार करके दूध को उन्हें ठंडा की। देखना बच्चों को जब क्रोध आए ना, सामने जो कुछ मिले सब फेंक मांग देते। पहले तू कितना दूध पर रखा करोगे, इतना बड़ा मटकी था, पता नहीं उसमें कितना मान, उसमें दही थी, मंथन कर रहे थी। कृष्ण पकड़ करके ना सोचा पूरा पलट दूं, लेकिन कृष्ण का उम्र कितना, मतलब 3 साल के, और इतना बड़ा मटकी को पलटा है तो पलटा ही कैसे। उन्होंने पकड़ करके हिलाया लेकिन हिला नहीं सका। देखा पास में पड़ा हुआ था जिसमें मसला पीसते है ना, है वो पड़ा हुआ था, उठाया और मारे मटकी में, और मटकी फूट गई और जो दही बन गया था छान, धीरे 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 बैठा और धीरे धीरे निकलने लग गया। कृष्ण खुश हो रहे, बोले मैंने मटकी फोड़ दी, मैंने मटकी फोड़ दी। जब सबके सब निकल गया, अभी कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैया आकर के देख लिया मैंने मटकी फोड़ दी, अभी मेरे को भी फोड़ दी, इसलिए अभी घर से भागो। कृष्ण वहां से भागे, दूसरे घर में गए, एक उखल को ऊपर में खड़े हो गए। उखल जानते हो, बताओ उखल क्या होता है? धान कूटते हैं। पहले ये मस्जिद नहीं होता था, एक लकड़ी होती थी उसका घर में एक गड्ढा होता था, और जैसे गेहूं चावल सब कुछ उसमें दे करके ना ऐसे ऐसे मार मार करके उससे चावल गेहूं सब उसमें काम होता था। इसलिए पहले माताएं बहुत परिश्रम करती थी, पुरुष लोग भी, इसलिए शरीर में कोई बीमारी बीमारी नहीं होती थी। अब तो हर चीज में मसीह, मसला भी पीसो मसीह, कपड़ा भी धुला मस्जिद मसीह, इसलिए सब मस्जिद मस्जिद में, इसलिए तरह तरह का बीमारी शरीर में तरह तरह का बीमारी आती है। इसलिए इतने में उन्होंने उखल में पलटा दिया, उसको पर खड़े हो गए। खड़े होकर के मक्खन की मटकी को उतारे, जितने बंदर और कौवा कुबला भी धरा मक्खन खाओ। बोले क्यों, ये बंदर को क्यों खिला रहे थे? बोले त्रेता युग में रामावतार में मैंने कुछ भी नहीं खिलाया, तुम लोग अपनी आप जंगल से भर मूल खा करके मेरे लिए जुधर दिया। आओ कृष्ण अवतार में तब तुम मक्खन का खिला दो। यदि ये कौए को बलका घोषणी जो नित्य निरंतर राम कथा को सुनाता है, बोले मेरी कथा सुनाता है ना, आप इधर आओ ये मक्खन खाओ। मैया जब थोड़ी देर बाद में आती है, देखा मटकी टूटी हुई, पूरा घर घर में मटका फैला हुआ। मैया को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये मेरे सांस के समय की मटकी, पहले सिल्वर पीतल कुछ नहीं होता था, पहले मिट्टी की पात्र से हर चीज मिट्टी के पात्र से बैठती थी, इसलिए देखना खाना का अलग स्वाद होता था। जो चीज मिट्टी का पात्र में बनेगा ना उसको स्वाद अलग होगा। पहले ये प्रेशर कुकर नहीं होता था, आप एक चीज प्रेशर कुकर बनाओ, एक चीज को स्वाभाविक रूप में बनाओ, देखना उसमें ज्यादा टेस्ट होगा। इसलिए मैया ने देखा कि सांस का समय की ये मटकी थी, कितने घी पी पी करके कितना मजबूत हो गया था, और तुमने अपना घर में मटकी फोड़ दी। बोले इसको तो कुछ दंड देनी ही चाहिए। चोर जब चोरी करके जाता है वो ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता, सियारी को पकड़ लेता है। कृष्ण तक गए लेकिन कृष्ण का पैर में क्या लगा हुआ था, दही मट्ठा लगा हुआ था। कृष्ण जब गए उनकी चरण के छाप पड़ा हुआ। मैया ने एक लठिया को उठाए, उठा करके धीरे धीरे जैसे बिल्ली जाते ना है, ऐसे धीरे 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 गई। देखा क्या कर रहा है, खुद अगर मक्खन खाए तो कोई बात नहीं, ये मक्खन को बंदर और कौवा को दे रहा है। तो मैया को और क्रोध आ गया, बल इसको कुछ दंड देनी चाहिए। लेकिन कृष्ण पहले से क्या किया था, जो मेन रोड का दरवाजा को खोल कर, क्योंकि पहले माताएं कोई भी घर से बाहर नहीं जाती, पहले माताओं का मुख ये चंद्र सूर्य भी नहीं देख पाती थी, हर समय अपने घर में रह करके घर के सारे काम काज को करा करती थी। कभी माताएं बाहर का काम किसको होता था, बाहर का काम किसको होता था, पुरुषों का, घर का काम किसको होता था, माताओं की, इसलिए ये बैलेंस ना बढ़िया होता था। लेकिन अभी माताएं सब नौकरी नौकरी करने लगती,
हैं, और बाहर में पढ़ने चलते पढ़ाई करना शुरू कर दी। हाँ, कि जितने गड़बड़ी चीज, ये सही चीज नहीं है, ये सही चीज नहीं। बाहर निकलना माताओं के लिए अच्छी चीज नहीं है, कहते नहीं पुरुष और स्त्री बराबर होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं। माताओं का काम घर में बच्चों को संभालो, घर को संभालो, और पुरुष लोग क्या करें, बाहर का काम करें, तब घर को काम का काम कौन करेगा, घर का काम। इसलिए पहले का जो हमारी संस्कृति है वो सही संस्कृति है, तभी डाइवोर्स फाइवोर्स कुछ नहीं होता। हाँ, क्योंकि ज्यादा लिखाई पढ़ाई नहीं, थोड़ी सी कोई लिखाई, घर में रहो, बड़े बड़ों को कुछ लिखाई पढ़ाई किया हो, बड़े बड़ों को कुछ लिखाई पढ़ाई नहीं की, देखना कितनी जिंदगी अच्छी तरह से बीत गई। अभी जो जितनी लिखाई पढ़ाई की ना, उनका जिंदगी बीतना बड़ा कठिन हो रहा है। थोड़ी सी कोई लड़ाई थोड़ी हो गई ना, या तू जा मैं जा रहा, जैसे कपड़ा बदलाते हैं ना, इसे बदला नहीं सकते सर, क्योंकि ज्यादा लिखाई पढ़ाई का परिणाम है। इसलिए पहले डाइवोर्स नाम का कोई चीज नहीं था दुनिया में, पता ही नहीं था। अभी भारत में 40% 50% अभी ये सब गड़बड़ी चीज हो रही है, सारी गड़बड़ी हो रही है। इसलिए मैया जसोदा कृष्ण को पता, माँ तो बाहर जाएगी, गरीब हो गए, मैं बाहर निकल करके चला जाऊंगा। पहले से ही दरवाजा को खोल करके कृष्ण रखे थे। इतने में पीछे से मैया जब पकड़ने के लिए आई, इतने में कृष्ण छलांग लगाए, और छलांग लगाकर कृष्ण मेन रोड में निकल गए। और मैया बोले तू कहाँ जाओगे, तू सोच रहे हो मैं घर की बहू बाहर नहीं जाऊंगी, आज ब्रज में कोई भी पुरुष लोग नहीं, ये सबके सब गए दीपावली बनाने के लिए, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैया तो कान्हा को पकड़ने के लिए पीछा कर रही हूँ, पीछा करते करते, लेकिन मैया थोड़ी सी मोटी, जब थोड़ी सी भागने लगती ना, मैया भागने शुरू कर, और मैया चोटी में सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार करके रखी थी, एक एक फूल गिरते 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 जा रहा था। बोले क्यों, बोले माँ तू अकेले नहीं, तेरे साथ में हम भी है, सबके सब मिल करके आज कृष्ण को हम पकड़ेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतने में मैया बोली लाला देख मेरे हाथ में डंडा देख रहे हो, अभी डंडे को मार करके फेंकू तेरे ऊपर में। जब मैंने डंडे को ऐसे उठाए, कृष्ण वहीं पर खड़े हो गए। बोले माँ मैं तो खड़े ही जाऊंगो, लेकिन तेरे हाथ में जो लठिया है ना, पहले लठिया को फेंक दे। मैया बोली तेरे को मैं थोड़ी मारूंगी, मैं तेरे को अभी पूजूंगी। आप लोग बच्चे को कोई पूजा करती ही नहीं, पूजा करती नहीं, इसलिए बोले तेरे को मारूंगी नहीं, आज तेरे को पूजूंगी। इतने में लठिया को उन्होंने पीछे कर दी, और कृष्ण को जाकर के पकड़ लिए। जब पकड़ लिए, इतने में कृष्ण सिसर सिसर करके रो रहे थे, दोनों हाथों को आंख में रगड़ रहे थे, और काजल मिश्री को जो आंसू वो गिर रहा था। मैया ने बोला लाला ये बताओ ये मटकी किसने भरी। कृष्ण ने कहा ये साची साची बताओ ना, झूठ बताओ। बोले झूठ क्यों, साची साची बता। बोले भैया तुमने जो प्यार में इतने मोटे मोटे कौड़ूले पहन करके रखी ना, जब तेजी से भाग रही थी ये कौड़ूले लग करके ये मटकी फूट गई। भैया को तो बड़ा क्रोध आया, बोले खुद फोड़ करके मेरा नाम बता रहे मटकी पड़ी। बोले कौए बंदर को किसने खिलाया, बोले जिसने बनाया उसने ही खिलाया। बोले तो बड़े बड़े बात कहता है, बोले तू चोर है, तू कौन है, हरि बोल कृष्ण तुम कौन हो, चोर हो। लेकिन कृष्ण बचपन में सुना था उनकी एक मामा का नाम था चोर गो। कृष्ण बोले भैया मैं चोर हूँ, मैं तो नंद बाबा का बेटा हूँ, नंद बाबा साहूकार से है, राजा का बेटा, तेरे वंश में कोई चोर गो होगा, मेरे वंश में कोई चोर नहीं। मैया बोली देखो पता नहीं कहां से सुनकर के बाद में बोल रहा है, परंतु तो बंदर का दोस्त हो। बोले अगर मैं बंदर का दोस्त हूँ तो छोड़ दे, पर बंदर के साथ में रहूंगा तेरे घर में नहीं रहूंगा। अब देखना बच्चों का जो क्रोध है ना, जो इच्छा वो कर देते हैं।
मैया ने देखा बूढ़ा उम्र पूरी उम्र में बेटा मिला, अगर ये सचमुच से जंगल में चला गया तो फिर क्या होगा, मतलब थोड़ी समय के लिए मैं इसको बांध करके रख लेती हूँ। इतने में मैया ने छोटी से रेशम की रस्सी को निकाले, बोले दुखल और ये उदुखल दोनों मिल करके मक्खन चोरी की, आज तुम दोनों को मैं बांधूंगी। मैया जब बांधने के लिए गई उसमें दो अंगुल कम पड़ गई, बोले और एक रस्सी ले आओ, फिर बांधने के लिए गई फिर दो अंगुल, ब्रज का सारे रस्सी समाप्त हो गया लेकिन दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं हुई। इतने में मैया जसोदा ठाकुर जी के चरण में शरणागति हो गई, ठाकुर जी तू मेरे लाज को बचा। जब शरणागत हो गई भगवान माँ की परिश्रमों को देख करके भगवान ने बंधन को स्वीकार किया है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ देखो मैया जब जब कोशिश कर रहे की बात में कहिए, उसमें केवल दो अंगुल ही कम पड़ रहा, कितने अभी प्रश्न है, उसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ता था ये अभी बोलेगा। उसमें मैया जब बांधने के लिए कोशिश करती थी उसमें तीन अंगुल कम नहीं पड़ा, उसमें चार अंगुल कम नहीं पड़ा, उसमें पांच अंगुल कम नहीं पड़ा, पूरा ब्रज का जितने गैया की रस्सी थी ना सारे रस्सी खत्म हो गई लेकिन ये दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं हुई। ये दो ही अंगुल क्यों, इसमें तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, इसमें बड़ी रहस्य है। ध्यान देकर सुना, अगर आज अगर इतनी सी चीज कथा से लेकर गई ना समझना हमारी कथा सुनना सार्थक कथा हो गई। अगर इतनी सी चीज अगर लेकर गई तो समझना आए और इधर सुना और उधर निकाल कर कर गए, इधर सुनकर के इधर नहीं निकालनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था ना, एक समय एक व्यक्ति ने मूर्ति खरीदी करने के लिए गया, देखा वहां तीन मूर्ति है, कितना मूर्ति है, पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है, बोले पहला वाला मूर्ति का कितना कीमत था, 100 रुपया, बोले दूसरा मूर्ति का कीमत कितना था, 500, और तीसरा वाला 5000। बोले ये तीनों मूर्ति तो देखने में बराबर है, फिर आप इसमें फर्क क्यों बता रहे हो। बोले अगर इसका फर्क समझना चाहते हो तीन ग्लास दूध लाओ, अब इसका फर्क में बता दूंगा। जब पहला मूर्ति की कानों में डाले और जिधर डाला उधर निकल करके आ गया, बोले इसका कीमत है कितना, 100। मतलब ये कथा तो सुनता है लेकिन जिधर सुनता है ना उधर निकाल करके चले जाते। दूसरे मूर्ति को कान में डाले, किधर डाले तो किधर निकल गया, दूसरे कान में, बोले इसका कीमत कितना है, 500 रुपया। ये तो सुनता है लेकिन इधर सुनकर इधर निकाल देता है। तीसरा मूर्ति को कान में दूध डाला तो उससे एक बूंद भी नहीं निकला, दूध कहाँ चला गया, अंदर में चला गया, बोले इसका कीमत कितना है, 5000। इसलिए आप लोग जो कथा सुन रहे हो मूर्ति हो कितने पैसे की मूर्ति आपको होनी चाहिए, बोलो ठीक से, 100 की नहीं 500 की नहीं कितना होनी चाहिए, 5000। अब ये 5000 कैसे बनोगे, अभी ये प्रभु जी बताएंगे क्यों उसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ता था, उसमें 4, 5, 10 क्यों नहीं, दो ही क्यों, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। ज्ञान जन सला चक्षु नंदितमि तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो श्रीमाराय कृष्णप्रेष्ठाय भोदरे श्रीश्रीरम्भगिरांशुदेवस्वामि गुरुदेव महाराज नामे वाञ्छातन्मत्रुभश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पितृनामाभ्यभ्यो सर्वत्र ॐ विष्णुपादस्तु तत्सत् श्रीश्रीरम्भगिरांशुदेवस्वामि गुरुदेव महाराज जी के अभय श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात अमर प्रणाम करता हूँ। उसके बदल अपने शिक्षा गुरु श्री राधा कृष्ण दास जी के श्री चरणों में अनंत कोटि अनंत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव भागवत भक्तों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ।
अभी श्री गुरुदेव जी का आदेश हुआ है कि गुरुदेव जो लीला सुना रहे हैं ये है दामोदर लीला जो कार्तिक मास में पूरी कंप्लीट हुई है। इसमें ठाकुर जी बहुत सुंदर लीला है कि माता यशोदा जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है उनको बांधने की कोशिश कर रही है इससे एक छोटी सी रस्सी से। तो क्या भगवान रस्सी से बंध सकते हैं? बांध सकता है कोई भगवान को? नहीं, कभी नहीं बांध सकता। तो किस प्रकार बने बनेंगे भगवान? प्रेम से। तो वो रस्सी कौन सी थी? प्रेम की रस्सी। तो इसलिए भगवान प्रेम की रस्सी से बने। तो जो गुरुदेव शिक्षा बताना चाह रहे हैं वो उस रस्सी से बताना चाह रहे हैं कि दो उंगल छोटी क्यों पड़ी, वो चार क्यों नहीं पड़ी, पांच क्यों नहीं पड़ी। तो अगर हम इस संसार में रहकर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा उस कार्य के लिए? उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? अगर आप यहाँ पे आए तो सबसे पहले आपने आने के लिए कुछ सोचा होगा, कुछ तो करा होगा, या आप डायरेक्ट रूप के आ गए यहाँ पे? चेष्टा। वो चेष्टा किस प्रकार की फलित हो गई? चेष्टा आपने करी और फिर यहाँ पे किस प्रकार फलित होती हो? गुरुदेव की कृपा से। जब तक यहाँ पे कोई नहीं जानता था भागवत कथा के बारे में तो क्या सब ये समझ पा रहे थे कि भागवत कथा भी होती है, गुरुदेव करते हैं, उसमें क्या क्या रहस्य होते हैं, किस प्रकार होता है, तिलक के बारे में, कंठी के बारे में, शिखा के बारे में, मरे नाम के बारे में, कि उस भगवत नाम जानने का गुरुदेव ने बताया था ना कि अगर हमें यहाँ से विदेश जाना है तो तीन चीज की जरूरत है। किस किस चीज की? कौन कौन बताएगा? ठीक है, तीनों चीज के। क्या तीनों चीज के बिना हम विदेश जा सकते हैं? अच्छा, हमारे पास कितना भी पैसा हो पर हम अगर तीनों चीज नहीं है नहीं जा सकते। तो वो इसलिए उस धाम जाने के लिए भी हमारे पास तीन चीज गुरुदेव ने बताई है। कौन कौन सी? तिलक, कंठी माला और शिखा। ये तीनों चीज होनी चाहिए। इस प्रकार कोई व्यक्ति स्कूल में जाता है अगर उसके पास ड्रेस नहीं होगी क्या उसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा उसको स्कूल में एडमिशन, चाहे वो कितने बड़े पाप का बेटा। उसको ड्रेस होगी तो स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो इसी प्रकार ठाकुर जी जो उस दो उंगली का रहस्य बताना चाह रहे हैं उसमें दो उंगली बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले चेष्टा, जो पहली उंगली है, पहले उंगली बताया चेष्टा कि जब तक किसी कार्य को करने के लिए हम अपनी खुद की चेष्टा नहीं करेंगे, दूसरे की नहीं, अगर खुद की चेष्टा नहीं करेंगे। आप सबने यहाँ आने के लिए चेष्टा करी, जब भी आप यहाँ आए कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं लाया, कोई आपको उठा के नहीं लाया, कोई आपको जबरदस्ती नहीं लाया, कोई किसी ने आपको फोन नहीं करा, सिर्फ आप तक सूचना पहुंची, उसके बाद आप सब लोगों ने चेष्टा करी। ये बात सही है, सभी ने चेष्टा करी, चेष्टा होने के बाद ही आपने यहाँ आए। दूसरी बात है कृपा, उस भगवान की कृपा थी, गुरुदेव की कृपा थी, जब भी बागपत वासियों पर ये कृपा बरस रही है। उस भगवान की कृपा थी, गुरुदेव की कृपा थी, जब ये बागपत वालों से बरस रही है। जब तक यहाँ पर इस कथा का प्रोग्राम नहीं हुआ था हमने बहुत प्रयास किया, हमारे नवीन प्रभु जी, प्रेम प्रभु जी, बलराम प्रभु जी, हमारे आपके यहाँ के मनीष प्रभु जी, रविंद्र प्रभु जी, बहुत इसके लिए प्रयास कर रहे थे किसी प्रकार भी हो जाए। एक बार तो ऐसा भी समय हो गया था कि आपके बागपत में ये कृपा नहीं बरस रही थी, आ गया था इस समय भी ऐसा कि ये नहीं होगा, पर आप लोगों की चेष्टा से, वो चेष्टा ही थी आप लोगों की सबकी, आप सब लोगों के हृदय में वो चेष्टा ही उत्पन्न हुई थी कि वो कथा, वो कृपा, वो आप सब लोगों का दर्शन हो। तो आपकी चेष्टा हुई तो कृपा ना बरस गई, वो कृपा ना बरस गई। तो इसलिए भगवान किसी भी कार्य को करने के लिए आप सबसे पहले उसकी चेष्टा करो। गुरुदेव ने कल आप सब लोगों से पूछा कि सुबह हरि नाम लेने के लिए कौन कौन आया था, तो उसे ध्यान रखने से दो माताओं ने हाथ उठाया। तो जब तक आप वो चेष्टा नहीं करोगे उस तरफ जाने के लिए तो वो कृपा कैसे बरसने होगी? वो कृपा तो बरस रही है। अब जिस प्रकार इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि बाहर बारिश हो रही है, अंदर बहुत गर्मी है, अब जिसको बारिश का आनंद लेना है उसको क्या करना होगा? उनका चेष्टा कर उस बारिश में जाना होगा। बारिश तो हो रही है, वो बारिश नहीं रुकी, वो तो होती रहेगी, वो बरस रही है, वो कृपा बरस रही है, पर उसके लिए आप लोगों को चेष्टा करनी पड़ेगी, उठकर उनके पास आना पड़ेगा, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तो वो कृपा तो बरस रही है, बरसती रहेगी,
अपार की प्यार हो तो निरंतर बरसती रहेगी, वो किसी के लिए रुकी नहीं है कि उसमें नहीं बरसेगी, उसमें नहीं बरसेगी, उसमें नहीं बरसेगी, उसमें बरसेगी, वो सबके लिए बरस रही है। पर आपको बाहर निकलकर उस कृपा के नीचे सदर छाया में आना होगा, जब वो कृपा मिलेगी तो उसी प्रकार माता यशोदा क्या कर रही है, कृष्ण को बांधने की क्या कर रही है, चेष्टा कर रही है, बार बार कर रही है, उस पूरे गांव की, उस पूरे धाम की, उन सभी गोपियों की, सबकी चुनरी मंगा ली, रस्सी मंगा ली, सभी लाभ खोल खोल के, अरे सब गोपियां खड़ी खड़ी देख रही है ये क्या हो रहा है, भगवान की कौन सी लीला है, पर माता इसको सुन नहीं पा रही है, ये तो क्या मुझे बस मांगना है, किसी प्रकार की मांगना है। तो माता ये सोचा चेष्टा करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। इसी प्रकार की आप सब लोगों को गुरुदेव के लिए इनसे कृपा प्राप्त करने के लिए इनसे प्रार्थना करनी होगी, अपनी चेष्टा इनको दिखानी होगी कि हाँ हम भी उस भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हम पर कृपा करें। जब भी उनको कृपा हो पाएगी, फिर दूसरी बात बताएंगे कृपा, जब माता यशोदा उनकी चेष्टा देख लेते हैं, भगवान माता यशोदा की पूरी चेष्टा देख लेते हैं कि माता दुखी हो रही है, माता आखिर में क्या कर रही है, हे कान्हा तू मुझसे बंधा क्यों नहीं, मुझे क्यों दुखी कर रहा है। जब माता बिल्कुल ही दुखी हो जाती है बांधते बांधते, आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं, फिर भगवान सिर्फ इतनी सी उस छोटी सी रस्सी से एकदम बन जाते हैं और माता शांत हो जाती है। तो ये भगवान ने कृपा करी, कब करी, जब माता की पूरी चेष्टा हो चुकी थी, क्योंकि इसने चेष्टा कर ली, अब मेरा मेरा काम रह गया बाकी कृपा का। तो इसी को मैं कहता हूँ, वाणी को नाम देता हूँ वंचा कल्पित। हमारे बीच में और एक प्रभु जी श्री प्रेमचंद प्रभु जी, वो दो मिनट आपको कुछ कथा सुनाएंगे। प्रभु जी प्रेमचंद प्रभु जी आते हैं। प्रभु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो ये प्रभु जी कहाँ से आए, ये बड़ौदा से आए। प्रभु जी कहाँ से आए, ये बड़ौदा से आए। यदि ये प्रभु जी वहाँ के एक गण्यमान्य आदमी, वहाँ के एक प्रतिष्ठित आदमी, ये बड़ौदा के इनका सबके सब प्रधान थे और गौशाला का यही इच्छा थे। देखो सबसे पहले जब हम आए बड़ौदा में, जब हमने भगवान की भक्ति की, नाम की महिमा, तिलक की महिमा बताई, बड़ौदा में एक ही व्यक्ति हुए जो कि सभी को सामने, देखो अगर ये तिलक लगा लो, गले पर घंटी पहन लो, अगर ये माला हाथ में लेकर करना, लोग बोले तो बाबा बन गया, तो साधु बन गया। अब पता होगा तो अगर कोई शराब पिए ना, कोई गलत काम कर देना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर प्रभु का भजन गले में घंटी तिलक जैसे मीरा ने जब भजन की, उसका पति, उसका जेठ, उसका देवर, उसकी सास, उसकी ननद, यहाँ तक भी गाँव के एक कुत्ता भी उसको पीछा नहीं छोड़ा। मीरा ने जब भजन की, लेकिन मीरा ने अपना रंग नहीं छोड़ा, मीरा ने अपना रंग नहीं छोड़ी, भले ही दुनिया छूट गई, अल्लाह में क्या हुआ, मीरा भगवान से जाकर के मिल गई, द्वारकाधीश से लाश में मिली मीरा ने, ये शरीर नहीं छोड़ी। अब बताओ जगत में किसका नाम हो रही है, मीरा का नाम हो रही ना, कारण क्यों मीरा के नाम क्यों हो रही है, भले ही दुनिया विरोध हो गए लेकिन उन्हें भजन नहीं छोड़े। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने देखा कुछ भक्त दो दिन पहले गले में कंठी, ध्यान देकर सुनो, गले में कंठी लेकर गई यहाँ से, लेकिन आज देखता हूँ गले में उसका कंठी है ही, बोले एक दिन में गले का कंठी उतार दीजिए, बोले क्यों उतार दी गले का कंठी, अगर सोने का चेन होता तो उतार दी, बताओ सोने का चेन होता तो उतार दी, नहीं उतारती, लेकिन कंठी उतार दी, जो लाश में मरते समय जो जाएगा, जब महाराज गए नहीं दूतों को, देखो उनको मेरे पास में लाना जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं है, उनको ही पकड़ करके लाना, चमकी उच्चा स्वयं, देखो ये श्लोक है, बोले ललाटे तिलक नास्ती, संस्कृत श्लोक है, जिसकी ललाट में तिलक नहीं, कंठ नास्ती त्रिकंठिता, जिनकी गले में त्रिकंठी माला तुलसी नहीं, जो भगवान के नाम नहीं जप करते हैं, बोले तान आनधम, उन दुष्टों को पकड़ करके नरक में ले आए। देखो आप लोगों को पता होगा मरने का बाद 13 दिन को बाद में शुद्ध होते हैं ना, मरने का बाद कितना दिन बाद में शुद्ध होते हैं, 13 माह, बोले थैंक यू, ये 13 दिन बाद में क्यों है, ध्यान देकर सुनो,
आप लोग यहाँ गरुड़ पुराण सुनते हो? बर्मी का बात गरुड़ पुराण सुनाते ना, उसमें सारी चीज की वर्णना की, भले एक नदी उनको पार करना पड़ता जिसका नाम बैतरणी नदी, और जो नदी है ना वो टाकती पैसा खून पीता होता है वो नदी, और उसको कोड़े मार मार के तो नदी पार कराते हैं, और नदी पार करने में 13 दिन लग जाते हैं। इसलिए 13 दिन को बाद में सूखी होते हैं वो नदी, जिसको पार करना पड़ता है, जिसकी गले में तुलसी कटती नहीं, जिसकी तुलसी कटती तिलक नहीं ना, उनको ही नदी पार करना पड़ता है। अगर तुम्हारी गले में कटती तिलक है, आपको ऊपर में जल दूध कभी आग उठा करके नहीं देखेगा। कल बता रहा था ना, जब महाराज दूतों ने बोले पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के? दो, एक पालतू एक फालतू। बोले पालतू जो कुत्ते गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया किसी घर के कुत्ते हैं, और जो फालतू बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमता है, आप देखना पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। आप देखना गांव में ज्यादा कुत्ते हो जाए ना, सरकार से अटा था ही ये कुत्ते को जाओ बंदूक लेकर मार दो, मार दो इन कुत्तों को, नहीं तो शेर को सामने फेंक दो। लेकिन अगर गले में जिसकी पट्टा बंधा हुआ पालतू, अगर भूल से अगर पालतू कुत्ते में कोई गोली लग जाए ना, उसको अगर केस हो जाता है, समझ रहे हो? अगर गले में तुलसी कटती हो तो भूल से भी जब दूध तुम्हारी तरफ में आग उठा करके नहीं देखेगा, आग उठा करके नहीं देखेगा जिसकी गले में तुलसी कटती है। इसलिए अगर तुलसी कटती नहीं होगा ना, कोड़े मार मार करके ये बैतरणी नदी तुम्हें पार करना पड़ेगा, उससे तुम्हें कोई रोक नहीं सकतेगी, ठीक है ना? इसलिए कम से कम फालतू नहीं बनकर क्या बनाओ, क्या बना फालतू। देखो ऐसे नहीं अपने आप गला में कंटी पहन लिया, नहीं, किसी साधु के हाथ से कंटी लगी चाहिए। हम प्रभु जी की बात बता रहे थे बड़ों में भी, प्रभु जी सबसे पहले मैं जब आया बड़ों में, सबसे पहले सबसे ज्यादा परिवर्तन प्रभु में दिखा, वो वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति को है, गले में कंटी तिलक कोई धर्म है नहीं, हाथ में माला लेकर ना सभी को सामने माला लेकर बोल रहे, देखो इनकी घरवाली, देखो इनकी घरवाली यहाँ बैठी हुई, इनकी धर्म पत्नी है। एक दिन क्या हुआ, हमारा मंदिर से कोई भक्त आया, इनकी पत्नी तो उसको फिर बिगड़ गई, बोले सब क्या जी हमारी सब नहीं होता है, गले में क्या कट्टी पहन लिए तिलक लगा कर माला लेकर के सबको सामने ये घूम रहे हैं, क्योंकि समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है ये घूम रहे हैं, इनके पत्नी तो बिगड़ गई हमारे भक्त को बनने। एक बार क्या हुआ, श्री नवद्वीप परिक्रमा में जब हमारे नवीन प्रभु जो कथा सुना रहे ना, जो कथा सुना रहे थे चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की, एक दिन नवद्वीप परिक्रमा में महाप्रभु का धाम में प्रभु भी गए, पत्नी को भी लेकर साथ में गए, जब लेकर गए वहां पर तो संपूर्ण पृथ्वी के लोग आ गए, ऐसे कोई कंट्री नहीं, रशिया अमेरिका जर्मन लंदन फ्रांस बड़े बड़े देश के लोग सारे लोगों तक गलत सभी गले में कटी, हजार हजार लोग कटी तिलक माला सबके सब लगा करके भगवान के नाम ले रहे हैं, नाच रहे हैं कूद रहे हैं। जब इनकी पत्नी ने देखा बोले बाबा रे यहाँ पर तो सभी गले में तिलक कटी, ये सबके सब हरिनाम करते हैं। जब उन्होंने सबको देखा है ना, बात इनकी पत्नी अपने आप बदल गई, और इनकी पत्नी भी गला में कटी और तिलक, और उन्होंने भी ऐसे माला ले ली, देखो अभी भी इनको पास में माला लेकर बैठी है। इसलिए हमारी संप्रदाय में देखो यहाँ पर जो भक्त बैठे ना, ये माला जैसे हम घर से जब निकलते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में कितने पैसा है ना, तभी घर से निकलते हो। लेकिन हमारे भक्त लोग पहले भले ही पैसा देखे नहीं देखे, सबसे पहले देखते हैं मेरे पास में माला है कि नहीं, क्योंकि अंतिम समय में यही माला ही साथ में जाएगा। कल चार बहुओं की कथा सुन रहे थे ना, कौन सा बहू साथ में गई बोलो, कौन सा बहू साथ में गई, चौथी गई, पैसा गई, पत्नी गई, पत्नी कहाँ तक चली, दरवाजा तक, परिवार कहाँ तक चले, शमशान तक, पैसा कहाँ तक चली, वही पर रुक गई, शरीर कहाँ तक चला, वही पर जला करके राख बना दिया। लेकिन जीवन ने जिसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा था, ये बेकार भजन भजन जिसका कोई काम धाम नहीं, वही से बैठ कर हरिनाम करते, भजन करते काम धाम नहीं,
लेकिन भैया यही लाख में यही गई बहू, और सब बहू यहीं पर रह गई, इसलिए अंतिम समय में कोई जाने वाले नहीं। इसलिए हमारे जो श्वास श्वास निकल रहा है ना, करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को वापस नहीं ला सकते। आप लोग अंबाजी का नाम सुने हो, जैसे मानो अंबाजी का लास्ट समय मरने का वाला है, अंतिम श्वास, डॉक्टर ने बोल दिया इसका ये अंतिम श्वास। अगर अंबाजी बोले तेरे को हम चार कोहिनूर में हीरे दे रहा हूँ, मेरे को चार श्वास ला दो, कोई दे पाएगा? बोले दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। एक एक श्वास की इतनी कीमती है, कौन सा जीवन की, मानव जीवन की। भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बड़े भार मान असत बाबा सुर दुर्लभ के देवताओं के लिए भी मानव शरीर दुर्लभ है। कहां पर? लंदन अमेरिका में, भारत में, और कौन सा वंश में, बोले हिंदू घर में। और कहां पर? अरे बागपत में जन्म लेना है, बागपत में जन्म लेना बड़े भाग्य चाहिए। और वहां पर ठाकुर जी हमें ये मानव शरीर दिया, इसलिए भैया दुनिया भूल जा, लेकिन माला मत भूला करो, माला के साथ में हर समय माला के साथ में लेकर के जाओ। चलते चलते गाड़ी में बैठे हो बस हरिनाम करते करते जाओ, चल रहे हो प्रभु का नाम लेकर के जाओ, है। इसलिए हर समय माला के पास में क्या करोगे, माला तो ली नहीं, माला कौन लेगा, कोई हाथ ही नहीं होता है, माला का नाम से सब चुपचाप होगे सब। बोले भगवान की भजन करेंगे इतने घटिया काम कैसे कर देंगे, इतने घटिया काम कैसे कर दो कर गए। बोले नहीं हाथ पद उठाओ, हम माला नहीं लेंगे, हम माला लेके अगर सुना चाहती हो ना, बड़े लपटे चपट कर लेंगे। इसलिए क्या लो भगवान की माला लेकर के जाना। इसलिए आज आज तक मैंने आ नहीं पाया वहां से, इतना दूर से, इसलिए कुछ कुछ भक्त लोग आए थे सवेरे माला लेने के लिए। अभी कथा के बाद में जिनकी इच्छा होगी हम माला जप करेंगे, माला जप करोगे कथा के बाद में यहाँ आकर के माला लेकर के जाना, खुद भी माला करना और बच्चों को भी माला कराओ, बच्चों को भी एक एक माला बच्चों को भी कराओ। घर में नियम रखो, क्या नियम रखो, जब तक एक माला जप नहीं करोगे तब तक बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा बच्चों को? खाने को। रामायण में आप लोग लक्ष्मण का नाम जानते हो? कौन लक्ष्मण को जानते हो? सब जानते हो। लक्ष्मण कौन है? राम के छोटे भैया। ध्यान देकर सुनो, जब राम सीता वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण अपना माँ के पास में आए। लक्ष्मण की माँ का नाम क्या है? सुमित्रा। अभी सुमित्रा को पास में आए, बोले भैया मेरे को आदेश दे दे, भाभी भैया जंगल में वनवास में जा रहे हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए जाऊं। इतना सुनते ही सुमित्रा का छाती पर एकदम चौड़ा हो गया। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्रवती युवती जगस्वी रघुपति भक्ति जासूस तो हुई। हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी समझते हो? सब समझते हो। देखो ये प्यार को देखो, बोले पुत्रवती युवती जगस्वी, मतलब क्या है, उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थक था। दूसरी लाइन में क्या कहती है, रघुपति भक्ति जासूस तो हुई, अगर वो बेटा राम का भक्त बनता है तभी वो माँ को पुत्र जन्म देना सार्थक। देखो दूसरी लाइन में क्या कहती है, अगर बच्चों को भजन में लगा नहीं पाया तुमने, बच्चे जन्म मत दो, पांच बनो। क्या कहती है, बोले पांच बन करके रहो, पुत्र का जन्म मत दो, मना कर देती है। बोले क्यों मना क्यों करती है पुत्र को जन्म देने के लिए? बोले अगर पुत्र तुम्हारी भक्ति करेगा ना, अगर भजन करेगा तुम्हारे तो इक्कीस पीढ़ी से उधार होगा, इक्कीस और पूर्वज लोगों को उधार हो जाएगी, पिता माता का जीवन भी धन्य हो जाएगा। हाँ, जिस गर्भ में बच्चा भजन किया, अगर बच्चा शराब पिए, जुआ खेला, मांस खाए, उल्टा पुलटा काम किया, बोले उसका पाप भी पिता माता को देना पड़ेगा। इसलिए पुराण में कथा दी है, एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरियां सेवा कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति स्वर्ग में बैठ बैठ के रो रहा था। योगी ने पूछा, भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में रो रहे क्यों? बोले मेरे से भी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई?
भले मैंने बच्चों को भक्ति में नहीं लगाया, बच्चों को मैंने भजन में नहीं लगाया, और मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था, बच्चे अभी उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, बच्चे उसी पैसा से जुआ खेल रहे हैं। चूंकि पैसा को मैंने छोड़ करके आया था, अब ये मेरे पैसा को ये गलत काम पर लगा रहे हैं, क्योंकि ये स्वर्ग में भी उसका दुख मेरे को नहीं छोड़ रहा है, स्वर्ग में भी दुख मेरे को नहीं छोड़ रहा है। मतलब क्या, अगर तुमने बच्चे जन्म दिए, बच्चे अगर सद्मार्ग भक्ति भी नहीं गए, बच्चे अगर गधा काम किया, तो भैया उसको पाप तुम्हें स्वर्ग में भी नहीं छोड़ेगा है। इसलिए बच्चे जनपद नमाज तभी सार्थक था अगर बच्चों को भजन में लगाओ। अब पहला गुरु कौन? माता पिता है, माता पिता है ना। अगर आप स्वयं माला जब करोगे तभी तो बच्चों को बोलोगे बेटा एक माला कर, खुद नहीं करती हो, खुद माला नहीं करती, बच्चे तो बच्चे तुम्हारी बात सुनेगा? बोलो बच्चे तुम्हारी बात सुनेगा? बोले खुद तो माला करती नहीं, तीन बार टीवी के सामने बैठी रहती हो और मेरे को बोलती हो माला कर माला कर माला कर, वो बच्चा कब माला करेगा? इसलिए पहले क्या करो, स्वयं माला जप करो, फिर बच्चों को बोले बेटा तू भी एक माला करके जा। अगर बेटा माला करके जाएगा ना, बेटा अगर माला करके जाएगा देखना क्लास में फर्स्ट आएगा, क्लास में पढ़ाई। हमारे यहाँ पर एक परिवार है, कल उसकी बहनी आई थी, ये रोज ये लोग आरती में आते हैं, ये आरती में उसको पिताजी है, उसका बच्चा रोज आरती देखकर करता है उसका पिता। अभी वो उनका दो बेटे हैं, अभी दोनों बेटा IIT पढ़ रहे हैं, अभी एक बेटा IIT तक हो गया उसकी, और एक बेटा अभी दिल्ली से गया है, वो IIT कर रहा है। गले में पंडी तिलक माला, रोज मंगल आरती में आना और रोज मंगल आरती कीर्तन करना, जिसकी बच्चे भजन करेगा ना पढ़ाई भी उसका बढ़िया होगा, बढ़िया पढ़ाई होगी आपके, भजन करेगा है। इसलिए आप खुद भजन करो और बच्चों को भी भजन में बच्चों को भी लगाओ। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्णा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव जय ओम विष्णुपादेश श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दर्पण करना मैं अपन करता हूँ। उसके पश्चात जय नित्रिया पर विष्णु विष्णुपादास तो सरस्वती भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करते हुए मेरे शिक्षा गुरु रवि कृष्णदास के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। और वृंदावन से आए यहाँ पर भागवत के भरोत के सभी भक्त सभी वैष्णव सभी वैष्णवों को यथा योग धन्यवाद प्रणाम। गुरुदेव का आदेश हुआ है और ना कुछ आता नहीं, बात यह है गुरुदेव ने तारीफ इतनी कर दी कि बोलने को कुछ रहा ही नहीं। ये गुरुदेव का इतना बड़प्पन है दोनों वालों के ऊपर, प्रबोध वालों के ऊपर इतना प्यार है इनका कि ये जहाँ भी जाते हैं, देश में जाओ चाहे विदेश में जाओ, कहीं भी जाते हैं, ये सबसे पहले वहाँ सीधा प्रबोध का जिला और अब प्रबोध के साथ हमारा जिला बागपत का भी नाम आप लोगों ने गुरुदेव के माध्यम से जोड़ दिया। तो जहाँ भी गुरुदेव जाएंगे अभी ये जहाँ भी जिक्र कर रहे थे हमारे पास जो लाइव वीडियो चल रही है ना, ये लाइव वीडियो ये देश से विदेश में सब जगह गुरुदेव के पास फोन आते हैं, हमारे पास फोन आते हैं, हमारे सीनियर वैष्णव में उनके पास फोन आते हैं, कहने कथा कहाँ हो रही है अभी बात कथा भरोत में नहीं हुई का, मगर भरोत में तो हुई नहीं कथा, बागपत है कस्बा है हमारा जिला है वहाँ पर कथा हो रही है। कहने इतनी भीड़ और यात्रा में इतना उत्साह इतना वर्धन देख के लोग दंग रह गए,
ऐसी भीड़ आप लोगों ने यहाँ पर जमा की है गुरुदेव के सानिध्य में, और ऐसी यात्रा जब यहाँ से यात्रा निकली ना तो गुरुदेव जब शाम को गए साथ में, गुरुदेव कहने लगे प्रभु जी ये कहाँ से आए इतने लोग, मगर भागपत के लोग हैं बाहर से जब वो आए, कुछ भागपतवासी कह रहे थे कुछ तो सुना है हमने अपने कानों से सुना है, पहले ही सभी उन्हें किराए के हाथ मिला करके यहाँ पर भेज। अब आप सब बताएं कि आप सब किराए गए हैं या घर के आदमी, सब घर के हैं ना, तो जो भी आपको बोले ना जब उन्हें बताना अपने बहनों भाइयों को दुकानदार को सबको कहने बाहर से कोई भीड़ नहीं आई ना भी किराए गया। अगर कथा को लास्ट में अगर ये रथ यात्रा हुआ था ना जितने भक्त लोग उसका डबल लोग, इसलिए हम जहाँ जहाँ कथा करते हैं कथा को लास्ट में ही रथ यात्रा रखते, क्योंकि लोग धीरे धीरे कथा सुनते 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 भगवान की जन्माष्टमी के बाद में धीरे 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 लोग बढ़ते हैं। देखो आज कितने भक्त लोग आए हो, अरे कथा अगर लास्ट में होता तो क्या होता, कितने भक्त लोग आते हैं। इसलिए अगली बार जब कथा होगी हम ऐसे समय पर रथ यात्रा रखेंगे जिसे कथा को विश्राम का बाद में दूसरे दिन कथा रखेंगे, जिसमें रथ यात्रा जिसमें और भी ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग आए। इसलिए आपकी रथ यात्रा को देख करके जैसे हर जगह पर पानी पिला रहे थे, जूस पिला रहे थे, आइसक्रीम तो फेंक फेंक कर दे रहे आइसक्रीम को, अब यहाँ पर है ना और एक चीज देखने को मिला, यहाँ पर हमारे जो मुसलमान भाई थी वो भी जगन्नाथ जी को प्रसाद दे रहे, ये लोग भी प्रसाद जगन्नाथ जी को। इसलिए आपका जो बागपत के भक्त लोग हैं बहुत बहुत अच्छे भक्त लोग। गुरु जी ने जब साथ में जा रहे थे गुरु जी ने कहा प्रभु जी पड़ोस से ज्यादा मुझे आनंद बागपत के अंदर आया, इतने लोग और इतना यात्रा में सम्मान, कई जगह रोहबजा पानी पानी की बोतल चिप्स के पैकेट फ्रूटी के पैकेट, इतना आनंद गुरुदेव को आया कहीं सुबह से शाम तक जो दुख जाता है बागपत की बात करते हैं बड़ो की बोलते हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है पड़ोस के साथ बागपत का नाम ऊंचा हो, क्योंकि बागपत हमारा जिला है, हम चाहते हैं कि बागपत का नाम ऊंचा होए, और यहीं पे यमुना है, यमुना महारानी के पास में है, ये यमुना महारानी की भी बहुत बड़ी कृपा है बागपत वालों पे। अभी एक मैं छोटी सी गुरुदेव से जो स्टोरी सुनी है बताता हूँ, अगर कहीं भूलवश कोई त्रुटि हो जाए तो गुरुदेव क्षमा करेंगे। एक राजा था वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था अपनी प्रजा में कि उसे किसी भी बात की खबर नहीं थी कि कोई भजन कर रहा है कोई पूजा पाठ कर रहा है या नहीं कर रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपने काम में इतना व्यस्त था सुबह शाम तक व्यस्त रहता था। एक बार एक साधु आए उसके वहाँ पर, एक साधु आए, साधु ने कहा कि मुझे राजा से मिलना है। अब राजा से मिलने की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, और एक साधु आ रहा है जिसके पास कुछ नहीं है, अब साधु से राजा को मिलना है, तो उसके जो चौकीदार थे जो भी पहरेदार थे उसने कह दिया चलो चलो बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ कोई राजा से मिलने नहीं देगा आपको। कहने प्रभु जी मुझे उनसे बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात कहनी है, उनके मतलब की बात है, एक बार उनसे मुझे मिला दो। इसी ने उनको राजा से नहीं मिलने दिया। फिर दोबारा उसने विनती करी, कहने उनका कोई जो अधिकारी होगा उनका जो भी मतलब आदमी होगा जो संबंधी जो उनका पास रहता है इधर उसके इलाके हरे कृष्णा आगे आ जाइए सब, हरी बोल। जो माताएं खड़ी हैं पीछे आगे बैठ जाए, आगे जमा हुई है बहुत प्यारी कथा है ये, हमारे बड़े गुरु जी की कथा सुना रहे थे ये जो कथा, हम लोग ने कितने दिन तक कथा सुनी है, सात दिन तक। क्यों ये सात दिन तक हम कथा क्यों सुने, ये आठ दिन नौ दिन क्यों नहीं है, ये सात ही दिन क्यों है, इसका जो रहस्य है ना ये कथा में नहीं कहे, ये सात दिन क्यों हम कथा सुन रहे हैं। ठीक है मैं आपको बाद में पूछूंगा, प्रभु जब कथा सुना रहे हैं अच्छी बड़ी स्टोरी है सुनो ध्यान से। जब साधु उनसे मिलने की चेष्टा कर रहा था तो साधु को उससे किसी ने मिलने नहीं दिया, जो राजा के नजदीकी आदमी थे उससे किसी ने मिलने दिया, राजा को भगा दिया।
तो राजा पे रहा नहीं गया, मतलब जो है साधु पे रहा नहीं गया। उसने कहा चलो एक काम करो, जो उनकी धर्मपत्नी है एक बार मुझे उनसे मिला दो, राजा के प्रति बहुत जरूरी काम है, क्योंकि राजा के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। तो ये बात सुनकर जो उनके कर्मचारी थे उन्होंने महारानी को कहा एक साधु आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, राजा ने मिलने से मना कर दिया है और ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप उनसे जाके मिल लो। तो महारानी जो थी एकदम विपत्ति की बात सुन के दौड़ करके भागी आई और साधु से मिली। साधु से मिली, उन्होंने जो महाराज जी ने जो कहा, साधु ने जो कहा उनके पति को, कहते मैं एक बात बताने आया था, पर राजा तो अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसको किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है, अपने काम में अपने परिवार में अपने ऐश्वर्य में पूरा व्यस्त है, उसके पास साधु संतों की बात सुनने का कोई समय नहीं है। तो महारानी को जब उसने साधु ने बात बताई कि तुम्हारे पति की मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी, ये बात सुन करके तो महारानी जो है पैरों तले से जमीन निकल गई। और ये बात कहकर जो साधु थे वो वहां से अपना बाहर निकल गए उसके मन से। जब बाहर निकल गए महारानी को तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे उसको सांप ने काट लिया। महारानी दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई, कहने राजा एक साधु आए थे आपको बुलाया था, कहने उसको कुछ दान दक्षिणा देकर के विदा कर दो, मेरे पास समय नहीं है। कहने वो दान दक्षिणा लेने नहीं आए, वो तो कुछ आपको बात बताने आए थे। तो राजा के दिमाग में कोई बात रही नहीं, तो साधु के जो बात बतानी थी राजा को कहां फुर्सत थी बात करने की, राजा को तो फुर्सत अपने ऐश्वर्य में थी, अपनी प्रजा में थी, अपने अभिमान में थी उसको। जब राजा को पकड़ करके अलग लाई, कहने साधु बाबा जो आए थे उन्होंने बताया था कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी। राजा को तो बस ये मामला बुखार हो गया, राजा तो एकदम ओंधे मुंह गिर पड़ा, कहने जाओ सब कर्मचारी भेज दिए राम वहां पे, अपनी प्रजा बसों को भेजा, कहने साधु को ढूंढ के लाओ। साधु को ढूंढने निकल गए, थोड़ी दूर जाने पर साधु महाराज उसको मिल गए। साधु को सह सम्मान वहां पर लाया गया, राजमहल में बैठाया गया, उनकी पूजा अर्चना करी। जब बैठाया गया तो उसने कहा बाबा मेरे से गलती हो गई है। पहले गलती नहीं है, तुम अपने ऐश्वर्य में इतने मस्त हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि आपके राज में क्या हो रहा है, मैं तो आपको बताने आया था कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी। ये हम सबको पता है कि 1 हफ्ते में पूरे 7 दिन होते हैं, हम सबकी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होनी है, इससे अलग हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। तो गुरु जी जो रोजाना बार बार कथा में बताते हैं ना, देखो ये जो कथा है मैं थोड़ी बोल देता हूँ, उन्होंने क्या बताया तुम्हारे मृत्यु बहुत शिक्षा की बात है, बोले तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में होने वाला, कितना दिन में 7 दिन में। राजा तो घबराए, इतने में संतन निकालने को घबराने का कोई जरूरत नहीं, तुमने बहुत दान पुण्य किए हो इसलिए तेरे को स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वहां पर तो सारे सुख सुविधा है, लेकिन एक चीज की कमी भी है, बल्कि किस चीज की, बल्कि वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, जब रात को सो गए वो मच्छर आपको काटते रहेंगे, सोने नहीं देंगे। बोले फिर बोले चिंता मत करो, वहां पर मच्छरदान का भी व्यवस्था है। बोले मच्छरदान मिल जाएगा स्वर्ग में। बोले हाँ। बोले लेकिन उसमें और एक चीज की कमी, बल्कि किस चीज की, बल्कि उसकी कोड़े में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फेर क्या, जब तुम मरोगे ना साथ में एक सुई धागा ले जाओ और उसको सिलाई कर दोगे ना, बड़े चैन की भी दे आएगी। बोले बाबा आप कह रहे हो मरते समय एक सुई धागा ले जाने के लिए। बोले हाँ एक सुई धागा ले चलता। बोले कैसे ले जाएंगे, मरते समय तो यही जला देंगे, मरते समय यही जला देंगे, पर सुई धागा कैसे ले जाएंगे। बोले क्यों, जिस राज कार्य में तुम इतने व्यस्त हो कोई संत आने पर भी तेरे पास में 1 मिनट का फुर्सत नहीं एक संत से बात करने के लिए। संत का दर्शन कब होता है, तभी संतों का दर्शन होता है जीवन का, जब सारे दुख तुम्हारी समाप्त हो गए और ये संसार का बंधन है तुम्हें नहीं आना, अभी प्रभु को पास में समय हो गया जाने का, तुम्हारे सारे दुख कष्ट समाप्त भी हो गई, तब जीवन में संत दर्शन मिलता है। और तुम्हें तेरे पास में 1 मिनट भी नहीं संत से मिलने के लिए जिस राज्य में तुम इतना व्यस्त हो, और जिस राज्य से तुम एक सुई धागा भी नहीं ले जा सकते हो, तेरे को मैं इतनी सी बात बताने के लिए आया था, मरते समय एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जाएगी। बताओ तो
मरते समय क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अरे गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात होता है, ये बोलेंगे ना। जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, और सब तुमने झूठे में जुटाया, झूठे में तुमने बिताया, लेकिन वो भजन के लिए तेरे पास कुछ समय नहीं। देखो तब संत ने समझाया, देखो आप भी समझो, संत ने ये नहीं बताया था सात दिन का तुम मर जाओगे, संत ने ये बताया था सात दिनों में ही मरोगे। दिन शादी होता है, दिन कभी आठ नहीं होता है, दिन कभी आठ नहीं होता, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, दिन शादी है। जब हम मरेंगे सात दिन में एक ना एक दिन हम शरीर छोड़ेंगे, लेकिन जब शरीर छूटेगा यहाँ से किसी धागा भी नहीं जाएगा, अंतिम समय में क्या जाएगा ठाकुर की नाम ही जाएगा। जब उनको समझाया ना, राजा का दिमाग ही बदल गया, उसने संतों के चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आप तो मेरे को बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताई, मैं तो सोच रहा था सात दिन में खत्म हो जाऊंगा, लेकिन सात दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन तीन सात दिन जब मरूंगा सात दिन अंदर में दो बार प्राण आ गया मेरे तरफ में। देखो वो संत ने वो साधु को ऐसे माला और एक झोली पकड़वाया, बोले बेटा सवेरे नहा धो करके भगवान की माला जप करना, भगवान की माला जप करना, माला जप करके फिर तुम कल बता रहे थे ना जो एक लाख हरिनाम करके लाख तो लखपति है, माला नहीं ये माल है, माला नहीं ये क्या है, ये माल है। जब किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं ना देखना कैसे देते हैं, लेकिन जब लेते हो कैसे देते हो ऐसे, और देते हो ऐसे, लेते हो ऐसे, देखो ये माला किसी जब करते हैं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, मतलब क्या ये माला नहीं ये माल है, ये प्रभु का माला नहीं जब कर रहे हो, बैंक में तुम्हारी फिक्स डिपोजिट हो रही है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर का नाम सुने हो, कबीर कहते हैं जगत में मरने के लिए सारा दुनिया डरता है, देखना मरने का बात सुनते ही घबरा उठते हैं, लेकिन कबीर कहते भैया मैं तो खुश हो रहा हूँ। किसने पूछा भैया तू खुश क्यों हो रहे हो, सारा दुनिया तो मरने के लिए डरते तू खुश क्यों होते हो, कबीर जी कहते इसलिए खुश होता हूँ, बोले कब मरी हो कब भेटी हो परमानंद, मेरे को पता है ना जिंदगी भर प्रभु ने माला जप किया, राम और कृष्ण का मैंने माला जप की, मेरे को पता है मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था होएगा, हैं मेरे को पता है पूरा के पूरा मिलेगा, ब्याज समेत मिलेगी, लेकिन व्यक्ति डरते जिंदगी भर भजन नहीं किया ना, पता है मरने के बाद कोड़े मार मार करके ये बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा और चौरासी नर्क होना पड़ेगा, इसलिए जीव डरते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ भगवान की भजन करता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, भगवान की नाम नाम जप करना, यही भागवत की सार है। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया कृष्ण रुक्मिणी को बनाया नहीं, बनाए कृष्ण रुक्मिणी को भैया है ना, जब मैं बोलूंगा हरे कृष्ण जी। देखो हमारा जो बड़ौत में ध्यान कर सुना, ये बड़ौत में जो भक्ति की जो लहरी आई है, भक्ति की जो लहरी यहाँ पर आई है, और वो लहरी धीरे धीरे ये बागपत में भी आया है, बोले किसकी कृपा से आई है, देखो हमारे जो प्रभु जी खड़े हैं हमारे बड़े गुरु की शिष्य है, इनकी बड़े भाई अमेरिका में रहता है, इनका छोटा भाई ना, इनका छोटा भाई ये अमेरिका में रहता है, इनका छोटा भाई, ये सबसे पहले ये भक्ति ईश्वर नाम सुने होंगे, ईश्वर का नाम सुने होंगे, पहले इनका छोटे भाई ईश्वर में जुड़े, जब जुड़े तब इनके छोटे भैया ऐसे माला जप करता था, वो अभी अमेरिका में अच्छी काम कर रहे हैं, जब माला जप करता था ये क्या सोचते थे, बोले क्या इसका हाथ में कोई एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया, ये हाथ में ये कपड़े को ढक कर, ये कपड़े को क्यों ढक कर रखता है, उनको पता नहीं था ना भक्ति भक्ति भजन भजन क्या होता है, वो ऐसे लेकर के हरे कृष्ण प्रभु का माला जप करता था। इसलिए उनसे धीरे 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 कथा सुनते सुनते धीरे धीरे इन्होंने फिर ये भक्ति में आए, फिर हमारे जो बड़े गुरु जी थे, फिर इन्होंने श्री बड़े गुरु जी को साथ में मिले, मिल करके फिर उन्होंने भगवान की
भक्ति शुरू किया, इसलिए उन्होंने पहले मेरे को लेकर के कहाँ पर रोज कथा कर रहे मेरठ में, मेरठ में मैंने कथा की। बाद में प्रभु क्यास की एजेंसी में प्रभु जी काम करते हैं, वहाँ पर इनके अच्छी काम है प्रभु जी। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को बुलाया, बोले महाराज जी हम चाहता हूँ वहाँ पर बड़े श्रद्धालु पड़ोस में आप आओ वहाँ पर कथा करो। प्रभु जी मेरे को सबसे पहले लाए, वहाँ पर कथा हुई, कथा में लोग धीरे 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 जोड़ना शुरू किए, और जो प्रभु जी खड़े होकर कथा बोल रहे थे ये प्रभु जी बड़े प्रभावित होकर सबसे पहले उन्होंने माला उन्होंने लिए। फिर ऐसे जोड़ते 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 धीरे 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 ये इसका लहर करिए बागपत में भी आ रही। और आपका बागपत के रथयात्रा को देख करके ना आपका जो पड़ोसी पड़ोसी लोग भी बहुत बढ़िया लगा, वो लोग भी कह रहे हम भी अपना गांव में हम भी जब मेन शहर में कथा करवाएंगे हम भी ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा हम भी निकालेंगे। इसलिए धीरे 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 ये भक्ति का लहर अभी धीरे धीरे लगता है पूरा ये बागपत। और बागपत का शहर का नाम क्या हो? बागपत जिला ये है। अभी धीरे 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 लगता है पूरा ये बागपत का लोग भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। जिस घर में भगवान की भक्ति हो भजन हो वही भगवान का काम है, वही श्री वृंदावन धाम है। इसलिए घर में भक्ति करो भजन करो आपका घर क्या हो जाएगा भगवान की धाम। और ये चीज समझो, देखो मैंने जब पड़ोस में कथा किया ना ध्यान से सुना, कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे बोले बाबा अगर आप यहाँ पर नहीं आते ना, अगर ये रघु प्रभु ये धारा को नहीं लाते सब शराब पी पी करके शराब सब शराब पी रहे थे, बच्चे सब बर्बाद हो रहे थे साथ बच्चे। लेकिन जब से हम वहाँ पर आए बोले बाबा आपने पड़ोसों को बचा लिया, जब से आप यहाँ पर आए हो धीरे धीरे लोग जो शराब पी रहे थे छोड़ दिए, और जो शराब जो जो पीना पीना छोड़ करके अभी पूरा बड़ों के लोग भगवान के भजन करना शुरू कर दिया। देखो अगर भगवान की भक्ति करोगे ना भजन करोगे आपका बच्चे कभी गलत रास्ता पर नहीं जाए, कभी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं करेंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, सिगरेट नहीं फूकेंगे, हैं आपका घर भगवान की धाम बन जाएगा। इसलिए आप लोग भजन करो, बच्चों को गलत रास्ता से बचाओ और भगवान की भजन करो, और हर घर घर को भगवान की धाम बना दो, वृंदावन बना दो, ठीक है। अभी प्रभु जी आपको पूछो आज कथा की विश्राम कर दी प्रभु, अतिथि समय में आप लोग कुछ आशीर्वाद देंगे, कैसे जीवन में साधन भजन भक्ति करोगे, इनका जीवन कैसे बदला और धीरे धीरे इन्हें कैसे बदला है प्रभु इसी विषय पर आप कुछ बता सकते। ओम ज्ञान प्रग्रंथस्य ज्ञानजन शनाकर चक्षुर्मीलितमेव तस्मै श्रीहरये नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय व्याकुले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी जी नामे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद स्तुत श्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण पदों में आनंद करता हूँ। तत्पश्चात का प्रेम को एकत्रित किया जाए, सभी ब्रह्मांड की सभी माताओं और पिताओं का प्रेम एकत्रित कर दिया जाए तो भी गुरु जी के समान ममता उनकी नहीं हो सकती। तो महाराज श्री जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्रों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं इसी प्रकार से हम बच्चों का करते रहते हैं। कहते हैं बागपत अभी नया बच्चा है ना, नए नए बच्चे जुड़े हैं तो बागपत का ज़्यादा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और पुराना है जो बड़ा बच्चा ग्रोथ उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत करे इसलिए कह रहे हैं बागपत वालों ने अच्छा काम करके दिखाया, तुम भी और अच्छा करके दिखाया। तो महाराज श्री की जो इच्छा है वो यही है हम सब भक्ति पथ में अग्रसर हों और बड़े प्रेम के साथ इस शुद्ध प्रेमा भक्ति में महाराज श्री के चरण कमलों को पकड़ करके हम अग्रसर हैं। थोड़ी सी मैं कथा सुनाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु की कथा भी थोड़ी सी रहती है, उसके बाद जो महाराज श्री बता रहे थे उसके बारे में भी बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में काफी लोगों ने अभी सुना लेकिन आज शायद कुछ नए लोग भी हैं
मैं पुनः दोहरा दूं, चैतन्य महाप्रभु आज से 528 वर्ष पूर्व वेस्ट बंगाल में नवदीप धाम में मायापुर क्षेत्र में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, वो राधा कृष्ण का मिलित रूप है, साक्षात कृष्ण जो राधा रानी की अंग कांति लिए हुए प्रकट हुए और शुद्ध धर्म अर्थात भक्ति धर्म को स्थापित किया और ये महामंत्र को उन्होंने ही प्रकाशित किया, प्रदान किया और प्रेम की ऐसी बाढ़ लेकर आए अपने पार्षदों सहित। नित्यानंद प्रभु जो और कोई नहीं बलराम जी हैं, अद्वैताचार्य महाविष्णु जी, हरिदास ठाकुर और कोई नहीं स्वयं ब्रह्मा जी हैं और श्री व्यास जी और कोई नहीं नारद जी हैं और गदाधर पंडित और कोई नहीं स्वयं राधा रानी हैं। इस तरीके से सह पार्षद यहाँ पर आकर के प्रेम की बाढ़ में समस्त जीवों को उन्होंने डुबो दिया, सब प्रेम में ओतप्रोत हो गए, सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली कथा में आपने महाप्रभु की सुना किस प्रकार से जड़ाई और मदाई का उद्धार किया, उन्हें भक्त बनाया। महादुष्ट और कोनी जो वैकुंठ में जय और विजय है, द्वारपाल जो हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप बने, वही रावण और कुंभकर्ण बने, वही दंतवक्र और शिशुपाल बने और कलयुग में वही जगाई और मदाई बने। उनको भी शुद्ध भक्ति धारा में महाप्रभु ले गए, उनको उनका वध ना करके उनके हृदय में बसी हुई असुरता को मार के उनको शुद्ध भक्ति प्रदान की। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। यहाँ जब देखा कि लोग बाग शुद्ध भक्ति धारा में जुड़ते चले जा रहे हैं महाप्रभु के साथ, तो वहां मुगलों का शासन था, मुसलमानों का शासन था और साथ में ऐसे वहां कर्मकांडी या ऐसे दकियानुषी धर्म को चलाने वाले जिन्होंने सब धर्म का नष्ट कर दिया था, वो चैतन्य महाप्रभु से ईर्ष्या करते थे और ईर्ष्या करने के कारण उन्होंने वह बात जाकर के वहां पर जो काजी थी, चांद काजी का शासन था, उसको जाकर निवेदन किया, देखो यहाँ पर ये हम सबको जो हम लोग धर्म चला रहे थे उसमें व्यवधान प्रदान कर रहे हैं, ये सिर्फ और कुछ नहीं करते, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस तरीके से इसका संकीर्तन करते हैं लोगों को इकट्ठा करके और बहुत कुछ क्रंदन करते हैं और भावुक होकर के नृत्य करते हैं और सबको नचाते हैं। और तो और हिंदू नहीं मुसलमान भी इस आंदोलन में प्रविष्ट हो चुके हैं, सब हरिनाम कर रहे हैं। इतना सुंदर था चांद काजी जो वहां का राजा था, उसको एकदम क्रोध आया और अपने सैनिकों को लेकर के अलग अलग दिशाओं में गया और कई जगह जहां पर हरिनाम संकीर्तन चल रहा था उधर जाकर उनको रोका और प्रताड़ित किया और यहां तक कि मृदंग खोल जाके इनको तोड़ भी दिया और कहा आज के बाद किसी ने भी यहां संकीर्तन किया या हरिनाम किया तो सबको मृत्युदंड दे दी जाएगी। इतना सुना भक्त व्याकुल हो गए, थोड़ा कांपने लगे कि ये कैसे होगा, हमें तो इतना आनंद आता है और अब हम भजन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो ये सब सुना महाप्रभु के पास जब ये सब लोग गए और उन्होंने जाके बताया कि महाप्रभु हमें जो बड़ा कष्ट हुआ, आज हमें संकीर्तन करने से रोका गया, हमारी मृदंग प्रताड़ित हुई तोड़ी गई, हमें पीटा गया, महाप्रभु ने जब सुना तो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और क्रोध के कारण थर थर कांप करके खड़े हुए और कंपित आवाज में कहा चिंता नहीं करो, आज शाम को सब यहां आना और हाथ में एक एक मशाल लेकर आना, मशाल में अग्नि प्रज्वलित करके यहां पर एकत्रित होना, हम सब चलेंगे चांद काजी के घर पर। तो वहां पर देखते ही देखते रात को लाखों की भीड़ एकत्रित हो गई और सब कर रहे हरे कृष्णा
ऐसे थोड़ी करते, जोश के साथ हरे कृष्णा से भी आपने उत्साह दिखाया, ऐसे ही महाप्रभु ने लाखों की भीड़ में सबको हरे कृष्ण महामंत्र गुंजायित करवाया और वहां पर सुंदर तरीके से कीर्तन शुरू हुआ और कीर्तन उद्दंड कीर्तन हुआ। कीर्तन करते करते सब मशाल लेकर के चांद काजी की हवेली की ओर चल पड़े, सब गाते हुए जा रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये देखते ही सुनते ही चांद काजी भयभीत हो गया, घबरा गया, लाखों की भीड़ मेरे घर की ओर आ रही है, कैसे बचाऊंगा, कैसे अपने परिवार को बचाऊंगा, कैसे अपने आप को बचाऊंगा। और इस तरीके से वो हवेली के ऊपर से देख रहा था और फिर वो अंदर तहखानों में जाकर छिप गया। वहां महाप्रभु पहुंचे, महाप्रभु के साथ कई ऐसे भक्त भी थे जिन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था, उन्होंने उसका पूरा आनंद तहस नहस कर दिया। और तब महाप्रभु के कहने पर एक भक्त को अंदर भेजा और कहा चांद काजी को बुला कर लाओ। तब चांद काजी डरते डरते भयभीत होते हुए वहां पर आया और महाप्रभु को देख करके उसके अंदर का जो असुरता थी एकदम खत्म हो गई और आकर के महाप्रभु के चरणों में दंड प्रणाम किया और कहा महाप्रभु मैंने अभी तक आपके बारे में सब सुना कि आप अत्यंत सुंदर, आप ऐसे हैं कि सबको आकर्षित कर लेते हैं, आप सर्व आकर्षक हैं, कृष्ण है ना, कृष्ण का अर्थ क्या होता है सबको आकर्षित करने वाला। तो अब मैंने जो आपके चरणों में अपराध किया पिछले दो दिन पहले, मैंने कई भक्तों की मृदंग आदि तोड़ी, कई भक्तों को मारा पीटा, मैं रात्रि में आके जब सोया तो रात्रि में शेर जैसा एक बहुत बड़ा आधा शेर और आधा नर मेरी छाती के ऊपर बैठ गया और कहने लगा कि तूने मृदंग फाड़ा मैं तेरी छाती फाड़ूंगा और मेरे छाती के ऊपर बड़े बड़े नाखून बढ़ा दिए, देखो महाप्रभु मेरे यहाँ पर निशान है अभी तक। और महाप्रभु को छाती पर निशान दिखाए वो और मैंने स्वयं नरसिंह भगवान थे। कल नरसिंह चतुर्दशी है, आप सबको नरसिंह भगवान के आविर्भाव पर व्रत रखना है। तो नरसिंह भगवान की जय। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अवतारी है ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतारी है। और कहने लगा चांद काजी कि महाप्रभु मैंने रोते रोते अपने प्राणों को बचाया, कहा मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई और अब मैं कदापि ऐसा नहीं करूंगा। फिर महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया, महाप्रभु आइंदा इस पूरे क्षेत्र में जो भी सुविधा आपको चाहिए कीर्तन में मैं उनका सहयोग करूंगा। इतना सुनकर के महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई और महाप्रभु ने देखो कृपा कैसे की, उस मुसलमान काजी पर अपना हाथ रखकर उसका आलिंगन किया और जैसे ही आलिंगन किया उसको प्रेम दान प्रदान कर दिया। जैसे ही उसके हृदय में प्रेम संचारित हुआ वो भी बोल पड़ा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। और साथ ही साथ कीर्तन करता करता महाप्रभु के साथ चमड़ा बहुत दूर तक उनको छोड़ करके आया 2-3 किलोमीटर और उसके बाद वहां पर रोज जाकर के महाप्रभु प्रणाम करता और उनके साथ कीर्तन में बैठता, उनको जो आवश्यकता होती वह उनको प्रदान करता और समस्त लोगों को उसने भक्ति में लगाया। आज भी यदि आप नवद्वीप में जाएंगे, नवद्वीप परिक्रमा होली के समय होती है, उस समय आप देखेंगे कि वहां पर चांद काजी की समाधि, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान के दर्शन हुए तो वह भी पूजनीय हो चुका है, इसीलिए वहां पर भक्त लोग जाकर के प्रणाम करके आते। तो महाप्रभु ने किसी एक पर नहीं हर प्रकार के जीवों पर कृपा की, चाहे वो किसी जाति से हो चाहे किसी धर्म से हो, ये नहीं देखा था क्या धर्म है क्या मजहब है क्या जाति है, सबको प्रेम दान किया। परंतु चांद काजी तो बदल गया लेकिन वहां पर जो हिंदू कर्मकांडी ईर्ष्या करने वाले चैतन्य महाप्रभु से पंडित लोग थे वो अभी भी ईर्ष्या करते थकते नहीं थे, कहते थे कि ये कब यहाँ से जाएगा और कब यहाँ से ये पाखंड इसका खत्म होगा, इस तरीके की बातें किया करते थे। महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है,
साक्षात भगवान श्री कृष्ण, और वो जानते थे ये लोग उससे ईर्ष्या करते थे, और भगवान या भगवान के भक्तों के चरणों में यदि कोई अपराध कर दे तो उसका कोई निस्तार नहीं। अगर कोई कितनी भी पूजा पाठ करता हो, या तो भगवान के चरणों में अपराध कर दे या वैष्णव भक्तों के चरणों में अपराध कर दे तो उसका कोई उद्धार होने वाला नहीं, उल्टा नरक में जाएगा। तो महाप्रभु ने सोचा कि ये लोग अपना नरक का रास्ता खुद ही तैयार कर रहे हैं, और मैं चाहता नहीं कि ये लोग नरक जाएं, मैं चाहता हूँ सब भगवत धाम मेरे धाम को चले, सबको प्रेम मिले और सब हरिनाम संकीर्तन करते हुए इस जीवन से ऐसा सुख लेकर के परम धाम को पहुंचे। तो महाप्रभु ने मन ही मन सोचा कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा ये ईर्ष्या छोड़ेंगे नहीं। और हमारे भारतवर्ष में ये देखा गया है, चाहे किसी भी प्रवृत्ति का इंसान क्यों ना हो, यदि कोई सन्यासी महाराज आ जाए तो कितना भी कपटता वाला क्यों ना हो इंसान, वह एक बार जरूर उनको प्रणाम करेगा, प्रणाम भी ना करे तो एक बार हाथ जोड़कर खड़ा जरूर हो जाएगा, नमस्कार करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि यदि मैं सन्यास ले लूं, सन्यास वेश धारण करूंगा तो कम से कम ये मेरे को आदर करेंगे और ईर्ष्या करना बंद कर देंगे। तो इस हेतु चैतन्य महाप्रभु ने मात्र 23 वर्ष और 11 महीने में इन्होंने नवदीप से गंगा किनारे होते हुए, कौन सा घाट है, निर्दया घाट से छलांग लगाकर रात्रि में वहां से निकल करके कोटाया पहुंचे। वहां पर केशव भारती सन्यासी जो कि अभी अद्वैतवादी थे, अद्वैतवादी मतलब जीव और ईश्वर एक है ये सिद्धांत वाले जो योगी होते शंकराचार्य के अनुयायी थे वो, तो उनको भी जाकर वैष्णव बनाया, विष्णु भक्त बनाया, उनको जाकर के ये हरिनाम प्रदान किया और दीक्षा मंत्र दिए उनको स्वप्न में। अगले दिन आकर के वो उनके चरणों में लेट गए कि महाप्रभु आप तो जगत गुरु हैं, मैं आपको कैसे ये सन्यास की दीक्षा दे सकता हूँ। तब उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे जो है सन्यास गुरु हैं, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं और कृपा करके मुझे सन्यास मंत्र दीजिए। तब केशव भारती जी सन्यास मंत्र लिए और फिर जाकर पुरी में ये पूरे 18 वर्षों तक इन्होंने विरह लीला, राधा कृष्ण की विरह लीला में हमेशा निमज्जित रहते थे। ये चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है इसमें हमें एकमात्र यही समझना है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्यों आए थे, वो एकमात्र हमारे मनुष्य जीवन को सुधारने और हम सबको प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे, और ये प्रेम किस प्रकार से हृदय में आएगा वो एकमात्र हरिनाम से आएगा। सभी गुरु बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। देखिए महाराज जी की जो आज्ञा हुई है उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हमारा परिवार एकदम भक्ति से अलग था, हमारे पिताजी मिलिट्री में कर्नल थे और हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, हम लोग आर्य समाज परंपरा से चले आ रहे थे। और जैसा कि प्रभु महाराज जी ने बताया, छोटा भाई नासिक में इंजीनियरिंग कर रहा था और वो रात्रि में जब वहाँ से आया स्कॉन से शिक्षा लेकर के, और रात्रि में हरिनाम किया करता था, जिस प्रकार से उंगली निकाल करके हम लोग करते हैं इस उंगली से स्पर्श नहीं करते माला को, तो मैंने कहा भाई तेरे हाथ में क्या चोट लग गई है कहीं, या हमने सोचा लिखते लिखते थक जाता होगा शायद इसलिए ये रेस्ट करता है। लेकिन जब पता चला उसने बताया ये चैतन्य महाप्रभु की धारा है, तो उससे कई प्रकार के उठपटांग प्रश्न भी किए हमने, क्योंकि हम लोग आर्य समाजी थे, तो उसमें बहुत सारी शंकाओं का हमने समाधान किया। और उसके बाद हमने प्रार्थना की, इस्कॉन जाने लगे, इस्कॉन के प्रोग्राम बहुत अटेंड किए हमने, लेकिन मन से जो एक बार भगवान के चरणों में यदि कोई प्रार्थना करे कि मुझे यह चाहिए, अमुक वस्तु चाहिए, तो भगवान तुरंत प्रदान करते हैं। क्योंकि मैं इस्कॉन में काफ़ी दिन रहा तो देखा मैंने वहाँ पर सारे विदेशी महाराज लोग हैं, और
मेरी इच्छा अचानक हुई कि मेरे गुरुदेव जहां से स्वर्ण निकला है, गौड़िया मठ से निकला है, मेरे गुरुदेव गौड़िया मठ से होकर कितना आनंद हुआ। और हुआ भी ऐसा, भगवान ने एकदम सुन ली, गौड़िया मठ की पत्रिका मेरे हाथ लगी और मैंने उसमें से फोन नंबर लेकर के दिल्ली में रमण बिहारी गौड़े मठ है हमारा, वहां पहुंच गया और वहां मैं पहुंचा और मेरा जीवन बदल गया। तो तब से मैं हरिनाम आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चा शुद्ध पथ है ये, कहीं भी पथ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सारे धर्मों में जा जाके देखा है और हमारे हिंदू समाज में भी बहुत अनुयायी है, चाहे वो शंकराचार्य के अनुयायी है, चाहे शिव के अनुयायी है, चाहे विष्णु के ही, अलग अलग हमारी परंपरा उन्हें भी जाकर देखा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो परंपरा है वो मुझे चैतन्य महाप्रभु की धारा ही रही। आपसे विनती है, ऐसे गुरु महाराज आपके समक्ष हैं, अभी आप लोग पहली बार इनसे मिले हैं, धीरे धीरे आप इनकी समझेंगे महिमा, आपको पथ पथ पर आपके संकटों को ये हरेंगे और आपको भक्ति में अग्रसर करेंगे। अब मैं मनीष जी को बुलाऊंगा। बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। आदेवती तुम्हारी खेल गया आज सर्वप्रथम तो मैं बागपत वासियों का सर्वप्रथम मैं बागपत वासियों का आप सबका बड़ा आभारी हूँ जो एक ही बार में आप लोगों ने हाँ कर दी थी हमारी पहली मीटिंग में। श्रीमद् भागवत का आयोजन हमें इच्छा हुई थी अचानक से कि यहाँ हो, और उसमें रविंद्र प्रभु जी हमारे और मनीष प्रभु जी, इन दोनों की बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी और मेरी इच्छा भी मिल गई और धीरे धीरे हम सब एकत्रित हो गए। ये ऐसा सनातन परिवार है जिसमें आपको आनंद आनंद आएगा। से निवेदन करूंगा जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया है उन सबको यहाँ पर गुरुदेव से आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज की प्रसाद सेवा श्री आनंद गुप्ता जी निवृत्त वाले आनंद गोयल जी, राजीव गोयल जी, सुरेंद्र गोयल जी कृपया मंच पर आए, महाराज श्री शासन आशीर्वाद प्राप्त करें। आनंद गोयल जी, सुरेंद्र गोयल जी, आज भगवान बाकी भी आज का साथ, राजीव गोयल जी, जिनका नाम लिए आप ऊपर आ जाओ और आशीर्वाद दें। राहुल जी, कमल वशिष्ठ जी, महाराज सिंह आशीर्वाद प्राप्त करें। कमल जी आपके जितने भी सहयोग के सबको अच्छा करें। राहुल जी, रोहित जी आ जाएंगे पास में आ जाएंगे। जल्दी जल्दी आए, जिनका नाम बोल रहा है वो लोग जल्दी आ जाए। हमारी सभा में हमारे आज कुछ मेहमान आए हुए हैं, राजीव गोयल जी टटे से, मनोज जी, दीपक मित्तल जी, जितने मेहमान लोग आए हुए सभी लोग कितना भरा से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजीव गोयल जी, दीपक मित्तल जी, मनोज भैया, प्रीतू जी, नादरो चलते रहो। इसी कड़ी में हमारे गुरु जी श्री हरिशंकर वशिष्ठ जी, हरिशंकर वशिष्ठ जी गुरु जी कितना मंच पर आए, श्री सत्यनारायण शर्मा जी
स्वधारण समझ में। लाला श्रीचंद गुप्ता जी आचार्य अनुज कौशिक जी, आचार्य अनुज कौशिक जी, महेश शर्मा जी टैंक वाले, महेश शर्मा जी टैंक वाले, हरे कृष्ण मास्टर महेश, मास्टर महेश गुप्ता जी कृष्ण रुक्मिणी को तैयार रखो साथ के लिए तैयार, मास्टर महेश गुप्ता जी, श्री रविदास गुप्ता जी टूट वाले, दीपक गुप्ता जी जनवानी से, कुलदीप, कुलदीप निषाद जी, दीपक जनवानी के, सुरेंद्र रोहेला जी, सुरेंद्र रोहेला जी और लगा से ताली रहे, ताली। से जितने भी लोग आए हुए कुलदीप निषाद जी, विपुल जैन जी, सुरेंद्र जी अमर उजाला से, रवि वर्मा जी, संजय वर्मा जी सिसाना वाले, संजय वर्मा जी नंदलाल डोगरा जी, राजपाल शर्मा जी महल जो वाले, गजेंद्र जी चपोटली वाले, गजेंद्र जी की मछोड़ा जी, राजकुमार चौहान कंटू, नरेंद्र नारायण जी, जेबी वर्मा, सॉरी आप वर्मा जी आज राहुल जी, दीपक जी जनवानी वाले अंदर आ जाओ, सुरेंद्र जी, दीपक जी, राजकुमार शास्त्री जी, राजकुमार शास्त्री जी, सीताराम जी, सीताराम जी नटरी वाले मछर आ जाए, चरणजीत शंकर जी, चरणजीत शंकर जी, मास्टर महेश गुप्ता जी, मास्टर राकेश मोहनकर जी, इनका सभी एक बार तालियों का स्वागत करेंगे। धनंजय मोहन गुप्ता जी स्टेट बैंक वाले, कमल वशिष्ठ जी आ गए, धनंजय मोहन गुप्ता जी स्टेट बैंक, सबका बागपत नगर की ओर से, अग्रवाल समाज की ओर से और बागपत के सभी लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। महाराजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम सबको आठ दिन तक भागवत पुराण की कथा का श्रवण कराया और उस अमृत पान को हमें कराया जिसके लिए मनुष्य जाति तड़पती रहती है। वैसे तो एक छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने महाभारत के रूप में रखना चाहता हूँ, उसे एक उदाहरण आपके सामने आएगा कि जब
महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को हुआ तो भगवान कृष्ण का रथ भगवान कृष्ण अर्जुन जी का रथ चला रहे थे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं ये देख लूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है और कौन मेरे पक्ष में है। भगवान कृष्ण ने ऐसा ही किया और जब उन्होंने जाकर के देखा कि एक तरफ पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य और दुनिया भर के परिजन वहां पर खड़े हैं, उन्होंने कहा मैं इन सबको मार दूंगा तो मैं राज किसके लिए करूंगा, बहु हो गया अर्जुन को। तो भगवान कृष्ण ने महाराज जी के सामने क्या कहूँ, महाराज जी सब ज्ञान 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 करते हैं इस बात का, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान किया और ये कहा कि ये तेरी बहुत बड़ी भूल है कि तू इनको मारने वाला है। इस संसार में कोई भी ना किसी को मार सकता ना कोई गिरा सकता, वो केवल मेरे ही द्वारा मारा जाता है, मेरे ही द्वारा जिलाया जाता है। और भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया तो उसमें देखा अर्जुन ने कि सारी दुनिया बड़ी तेजी के साथ भगवान कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रही है। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा केवल श्रेय देने के लिए मैं तुझे ये कार्य सौंप रहा हूँ, बात वास्तव में भगवान की असीम कृपा है, लेकिन बागपत में इस कार्यक्रम के आयोजन का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो मनीष गर्ग को और रविंदर जी को है। मैं भविष्य में इसी प्रकार से इन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन ये लोग करते रहे और इसी प्रकार के कार्यक्रमों को संगीता जी आ जाए रहो तो रविंद्र जी भी कृपया हरे कृष्ण हरे कृष्ण अपनी पत्नियों के नाम ये उनके लिए आप लोग मदद बनाएंगे जोरदार मतलब ध्वनि से दोनों का स्वागत किया जाए। इनकी प्रयास से अथक मेहनत से रात दिन 2400 घंटे लग करके संपर्क करके और इतने बड़े कार्यक्रम को इन्होंने यहाँ पर आयोजित कराया और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में और मैं तो व्यक्तिगत रूप से आकर्ष कक्षों से जानता हूँ प्रेमचंद जी है, उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत गति दी है और बागपत में इस कार्यक्रम को आयोजित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बलराम प्रभु इधर आ जा, मित्तल प्रभु जी और सिंघल साहब अधीराज प्रभु जी जल्दी जल्दी आ जाओ ब्लॉक के भक्त जल्दी आ जाए। श्रीमान रोहता सुनता ही कुछ चेयरमैन साहब अगर मेरी आवाज सुने तो उठ जाए रोहता सुनता ही कुछ चेयरमैन सुभाष चंद्र होता ही साबुन वाले सतीश सुनता ही अनिल होता ही विनोद होता ही पुराना राधे होता ही सतीश होता ही भाई कोई भी हो राधे राजीव गुप्ता जी विनोद गुप्ता जी राजीव गुप्ता जी कुछ अब मैं जो प्रदीप हमारे बहुत बड़े सहयोगी प्रदीप जी क्रोहरी वाले प्रदीप जी क्रोहरी वाले अशोक शर्मा जी कृपया जल्दी आ जाए
महाराज जी साहब अशोक स्वामी आनंद प्रकाश गुप्ता जी तेज आशुतोष एडवोकेट कोई भी परिवार से आए तो एक आ जाए राजीव गोयल जी स्वागत मार के खेल जाने वाले राजीव गोयल जी दिसंबर से आए जी रविशंकर वर्मा जी देवेंद्र गुप्ता जी बालाजी किराना स्टोर देवेंद्र गुप्ता जी जो ये हानि कोई भी एक परिवार से आए तो एक कृपया मंच पर आ जाए संजय रुबेरा जी संजय रुबेरा जी कृपया एक बार मंच पर आ जाए ये हमारे बहुत बड़े सहयोगी महाराज से ये आपके लिए छोटी सी भेंट ले पाए प्रदीप जी चौकड़ी वाले उस दिन से बहुत सेवा कर रहे हैं तो सेवा इनका तन मन धन से बहुत ज्यादा सेवा करने रहा है तालियों में कोई किसी ना करे तालियों बजा करे ऐसे आयोजन होते रहे उत्साह वर्धन करते रहे तालियों बजा बजा के संजय बहना जी डॉक्टर संदीप तोमर जी हमारे बाबू जी के नाम स्वरूप सिंह जी बाबू जी नाम स्वरूप सिंह जी कृपया मंच पर आए राजीव गोयल जी आनंद जी संजय रोहल जी संजीव कुमार जी फूलों की माला दो फूलों की माला ले लो सब फूलों की माला राजकुमार चौहान राजू आरती अगर मेरी आवाज सुन रहे राज चौहान आरती महेश चंद गुप्ता जी नमकीन मुकुल नमकीन वाले महेश चंद गुप्ता जी नरेश गुप्ता परिवार से कोई भी मुकुल नमकीन से चारों हो तो चारों आ जाए आशु गुप्ता जी आशु फर्नीचर वाले गोयल फर्नीचर मार्ट आशु गुप्ता जी विजय गुप्ता जी विजय अग्रवाल जी विजय अग्रवाल जी हरे कृष्णा हरि बोल मैं यहाँ हुए सभी श्रद्धालु जनों का माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन मैं स्वागत करता हूँ आपने इतना समय दिया ये साउंड वाले भैया बाबू आए साउंड वाले बहुत बढ़िया साउंड बहुत अच्छी सेवा इनकी रही मेरे शर्मा टैंड वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा कन्वीनिंग वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा और बारह से आए सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन में स्वागत इधर सुना विनोद गुप्ता हरि बोल कुछ कुछ भक्तों का इधर सुना कुछ कुछ भक्तों का नाम तो जी ले और कुछ कुछ भक्त लोग बैठे हो आप सोचोगे हमारा नाम तो ले नहीं नहीं देखो अगर श्री सुखदेव गोस्वामी होते अगर श्री परिचित महाराज नहीं होते बताओ फिर कथा हो सकती थी ये कथा हो सकती थी अगर सुखदेव गोस्वामी आ जाए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं परिचित महाराज नहीं हो फिर क्या कथा हो सकती थी नहीं हो सकती इसलिए आप लोग ने जो कथा श्रवण करने के लिए जो आए हो बैठे हो आप कौन हो परिचित हो आप कौन हो परिचित हो आप लोग ने इतने आनंद इतने उत्साह पूर्वक आए और कथा सुने तभी ये कथा हो पाई आपके बगैर कथा हो ही नहीं सकती इसलिए कथा में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जो परिचित है इनकी वजह से कथा आप लोग जोरदार
और इन कथाओं में हमारे जो कौरवों के भक्त लोगों ने यहाँ पर कुछ भक्त लोग रोज रोज हाँ रोज रोज इन लोगों ने गौरव को छोड़ करके यहाँ पर बस में किराया दे करके अपना हाथों से किराया को दे करके रोज रोज बस से आते हैं और जानते हो कितना बजे पहुँचते हैं, कल रात को 2 बजे सोए और सवेरे फिर मंगल आरती में 4 बजे आ गए। ये बड़ौदा के भक्त लोग आप इनके लिए भी करना हमारे श्री वृंदावन से जो भक्त लोग है जो प्यासियों बजाय श्री श्याम सुंदर प्रभु जी है जिनकी अंगुली गोबर में हम सब नाच करके पार हो रहे हैं और हमारे जो पेट में श्रीकांत प्रभु जी और जो मृदंग में हमारे श्री श्रीकांत भैया हाँ इन लोग हर समय मेरे साथ में हर समय मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे साथ में हर समय इन लोगों की सेवा करते हैं और इनके लिए भी जोरदार ताली बजाते हैं हरे कृष्ण। और इनकी कथा में देखो नियम है कथा सुनने के बाद कुछ ना कुछ प्रणाम देने दक्षिणा देनी चाहिए मगर दक्षिणा देना कथा सुनने का फल ही नहीं मिलता है इसलिए कथा सुनने के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए जो दक्षिणा देना देना लेकिन मेरे को एक दक्षिणा देना क्या दक्षिणा मेरे को हृदय से आशीर्वाद देना ठीक है ना। आप लोग इतने माताएं बैठे हो अगर मेरे को अपना हृदय से ये आशीर्वाद दो जैसे मैं जितने भी भर साधु संतों की मैं सेवा कर सकूं आप लोगों को सेवा कर सकूं ये मेरे को आशीर्वाद सबके सब अपना हृदय से आशीर्वाद गुरुदेव की। हरे कृष्णा। अग्नि कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी फिर सुदामा की कथा होगा फिर आरती होगी फिर प्रसाद लेकर जाए भारद्वाज साउंड वाले जहाँ कहीं भी हो एक बार गुरु जी के पास आते हैं और हमारे सोनू जो बड़ों से आकर रोज वीडियो बनाता है रोजाना अगले साल मैं से प्रार्थना करता हूँ आकर गुरुदेव जी से आशीर्वाद लें और टेंट वाले यहाँ पर इन्होंने टेंट की अच्छी व्यवस्था की है हलवाई की जो भी हूँ यहाँ पे आकर गुरुदेव जी से आशीर्वाद एक बच्चा है दानिश ये बच्चा इतना अपनी बोल के मनी से तेजी बचा के प्रसाद लगता से और लगा तानिश आज इसने अपने खर्चे से बहन की व्यवस्था की आज कृष्ण के साथ हुई ना ये बच्चा ने बैंड की व्यवस्था की और बाकी पटाखा का व्यवस्था की। राजकुमार गोयल जी कटिंदी वाले हैं यहाँ पर आता है उनका बेटा हूँ तो आ जाए यहाँ पे गुरु जी से हरि बोल। देखो गुरुजी ने सबसे गुरुजी को सबसे आशीर्वाद दिला दिया श्रोता भी आए सब कुछ आए पड़ोस से भी आए वहाँ से भी सब अगर गुरुदेव नहीं आते अगर गुरुदेव नहीं आते क्या आप आते यहाँ पे बताओ आइएगा तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ एक बार श्री गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां बजाएं हर साल इसी तरह करते रहिए। मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ श्री गुरुदेव से कि वे अपनी धरती बागपत वासियों को अपन सदा ऐसे बनाए रखें और अगली बार जल्दी से जल्दी हमारे इस प्रोग्राम को दोबारा सफल लाइट वाला आशीर्वाद जिसने लाइट की व्यवस्था की है वो भी करें आवाज सुन लाइट वाले कन्नू लाइट वाले भवि कश्यप भवि कश्यप भवि कश्यप इनकी बहुत ज्यादा सेवा रही थी डिपार्टमेंट से वाले झगड़े लड़का उठे बोले भवि कश्यप जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हाँ देखो 7 दिन तक ये कथा हुई है नियम है कथा को बाद में कुछ लो और कुछ दो कुछ लो और कुछ दो भैया ले क्या और दे क्या बोले भगवान की भक्ति को तो लो और दिया क्या दे बोले सारी गंदी चीज को दे करके चले गया इसलिए गंदी चीज में 4 गंदी चीज छोड़नी चाहिए जिसमें कली का निवास है। पहला नंबर जुआ मत खेला करो धर्म का पहला चरण सत्य में जुआ खेलने पर सत्य खत्म हो जाता है। दूसरी नंबर है किसी तरह का नशीली वस्तु मत लिया करो जैसे पान बीड़ी सिगरेट
अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब ये चीज को नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक भी चाय भी नहीं पीनी चाहिए। पहले मैंने आपको समझाया था कि चाय में क्या दोष है। चाय में निकोटीन और कैफीन डाला हुआ है, इसमें ये जहर है। ये चाय में ये जहर है। ये अंग्रेजियों ने हमें अपना गुलाम बनाने के लिए, अपना बिजनेस को बनाने के लिए पहले बिना पैसा की चाय पत्ता बदले, बिना पैसा नहीं बल्कि जो एक कप चाय पीकर उसको एक रुपया मिलेगा। हमने सोचा एक रुपया एक कप चाय, बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा, बोले दो। कुछ दिन बाद में कोई कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। पी पी कर नशा हो गया ना, नशा चढ़ गई है। देखना अगर चाय मत पियो ना सर दर्द होना शुरू होता है, क्यों? उसमें जहर कफी निकोटीन डाला हुआ। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा दो, कुछ दिन बाद बोले 1 रुपया लो दो, डर दिया। बोले कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया दो, बोले लो। कुछ दिन बाद में 5 रुपया दो, बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले भैया 10 रुपया लो। इतनी सी चाय अब हमें 10 रुपया ठक्कर भी ले लिया। इसलिए कि चाय में निकोटीन भी काफी नहीं है। पियो तो दूध पियो, लस्सी पियो, मठा पियो, और रामदेव बाबा के हर्बल की टी है, गोकुल पियो, ये पियो शरीर के लिए हेल्थी। इसलिए कोई नस्ली वस्तु नहीं मिलनी चाहिए। और जो तीसरी वस्तु है कली का, अवैध रूप में स्त्री संग मत करो। मतलब है संसार करो, शादी करके पति पत्नी अपना धर्म पूर्वक गृहस्थ बनाओ। बगैर शादी के जो पुरुष स्त्री और स्त्री से जो पुरुष मिलना, यहाँ पर अपवित्र, ये पवित्रता नष्ट हो जाती है। और चौथा नंबर है किसी तरह का कोई जीव हिंसा मत करो। जीव हिंसा में मांस नहीं खानी चाहिए। इसलिए जिसका नाम है मांस, ये संस्कृत शब्द है। मांस का मतलब क्या है? मां मतलब मुझको, सह मतलब वह, जिसको तुम खा रहे हो बाद में तेरे को जब खाएगा, ये इसका मतलब यही होता है। मीट अंग्रेजी में कहते मीट, मीट मतलब क्या? मी ईट बाई ईट मी, मी ईट और ईट मी। अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में जो फिर दोबारा हमें खाएगा। इसलिए ये मांस मछली अंडा पहले मैंने बताया, अभी धीरे धीरे गति जी धीरे धीरे आने लग गया हिंदू घर में। पहले ये अंडा नहीं, ये अंडा में एक एक प्राणी है। धृतराष्ट्र ने पहले जन्म में 100 अंडा खाया था, इसलिए उसको 100 बेटे का मृत्यु देखना पड़ा उसको। इसलिए अंडा में एक एक जीव है, अंडा नहीं खानी चाहिए। और प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। पहले मैंने आपको बताया ये प्याज वो मांस से ये प्याज बना, लहसुन हड्डी गैया की हड्डी से लहसुन बना। इसलिए नवरात्रि में आप लोग कोई प्याज लहसुन खाते हो? नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते? माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो ना। क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखो फिर खा कर नाराज करो? इसलिए जो चीज उनको पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। ठाकुर को भोग में नहीं लगता है ये चीज को। पहले ये हमारी खाना नहीं था, छोटे जाति के लोग खाते थे इसको साधारण, इसलिए। लेकिन हम लोग सबके सब खाना शुरू कर दिया नहीं, ये चीज को घर से वर्जित करनी चाहिए। फिर ठाकुर जी को हम भोग नहीं लगा सकते हैं। कोशिश करना कि गंदी चीज को छोड़ करके और लोग या बल भगवान के नाम लेते हैं। क्या लगा है? ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। सवेरे को जो जो भक्त लोग आए थे हम तो आए नहीं, कथा को बाद में यहाँ आ करके जिनकी इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, आप लोग यहाँ से एक माला ले सकते हो कथा को बाद में, ठीक है? अभी श्री कृष्ण रुक्मिणी की शादी हुई। कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है? तैयारी है कि नहीं? कृष्ण रुक्मिणी बाल बच्चे खड़े हो जाते हैं। ये देखो ये बीच में ना थोड़ी सी बीच में रास्ता बना दो। कृष्ण रूप में आएंगे थोड़ी सी बीच में रास्ता बना दो। थोड़ी सी माताएं थोड़ी सी बीच बीच में रास्ता बना दो। आदित्य साक्षी इसमें हाँ इसको इसको रास्ता बना दो। हरे कृष्ण बच्चों
जब कृष्ण रुक्मिणी आएंगे तो तेरे आस्था बढ़ेगा। अभी क्यों बोलेगा जब मैं? आप और कोई मैं खा रहा हूँ, मैं क्या पूजा कर रहा हूँ? फिर प्रभु जी आप कृष्ण रुक्मिणी को लेकर क्या हो? नीरज, सिंहासन साक्षी जल्दी आओ अंदर। प्रभु जी आप कृष्ण रुक्मिणी को ला कर मुझे पर खड़े कराओ। जब मैं बोलूंगा तब मैं तो इंडिया का एक फैन हूँ। मैं जब बोलूंगा तब लाना। माताएं ये रास्ता खाली कर रहे हो, बीच में घुस रहे हो। माताएं बैठ जाओ सबके सब। कोई खड़े मत हो। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हरि यहाँ पर दो चेहरा खुले कर रहा। हरि बोल गोविंद। हरि बोल बोल श्री वृंदावन बिहारी जगदम्बा जग जननी ये माँ लक्ष्मी। अभी नारद जी को ये बात बताई, इसलिए श्री नारद जी इनको बचपन से इनको कृष्ण की कथा सुनाया करते थे। बैंड वाले अभी बंद कर दो बैंड को। हरी बोल। जब कृष्ण बैंड को बंद करो, अभी बैंड को बंद करा दो, दो मिनट के बाद तो क्या करें। हरे कृष्णा। अभी नारद जी बचपन से उनको कृष्ण कथा सुनाया करते थे। अभी रुक्मिणी कृष्ण कथा सुनते सुनते उसकी रोग रोग में कृष्ण बैठ गए। बोले मैं शादी करूंगी तो केवल द्वारका जिसको ही शादी करूंगी और किसको मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसका जो बड़े भैया रुक्मिणी था बोले क्या मेरी बहन की शादी एक ग्वाला को साथ में कृष्ण को साथ में। मैंने सुना ये क्या बचपन में गैया चराया करता था। कोई कहते वसुदेव का बेटा, कोई कहते नंद की लाला। भैया मेरी बहनी की शादी तो किसी राजा महाराज से होनी चाहिए हैं। इतने में उसने शिशुपाल को साथ में अपना बहनी की शादी देने की उसने तय की। जब तय की रुक्मिणी को जब ये बात पता चला, रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया, एक सुंदर पत्र लिख करके ब्राह्मण कृष्ण के पास में पहुंचा दिया। कृष्ण ये पत्र देख करके समझ गए ये कोई पीली पत्र है, ये किसी प्रेमिका की पत्र है। इतने में कृष्ण पत्र को खोले, देखो कृष्ण रुक्मिणी को भी नहीं देखा, रुक्मिणी कृष्ण को भी नहीं देखा, कोई किसको देखे ही नहीं। लेकिन रुक्मिणी इतने सुंदर उन्होंने पत्र लिखी थी जिसको देख करके कृष्ण रीत गए और उन्होंने प्रसन्न हो गए। देखो ये पत्र में क्या लिखा हुआ था, बोले हे प्रभु जगत में अगर सबसे कोई सुंदर हो आप ही जगत में सबसे बड़े सुंदर हो, आपसे जैसे सुंदर जगत में कोई नहीं है। आपकी कथा में मैंने बचपन से सुनते 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 मेरे रोम रोम में आप बैठे गए हो, इसलिए हे प्रभु आप पुरुष सिंह का हो और जगत में सबके सब सियार है। अगर आप मेरे को यहाँ से उधार नहीं करोगे, जन्म जन्मांतर तक मैं तो शरीर छोड़ सकती हूँ लेकिन किसी सियार को मैं ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। ये जगत में जो पति है, पति मतलब क्या, पा मतलब होता है पालन करना और ती मतलब होता है जो त्राण करे, हमें जो संसार में पालन करे और भव सदार से जो हमें त्राण कर दे ये पति है। ऐसे पति कौन है, बोले ऐसे पति जगन्नाथ आप ही जगतपति जगन्नाथ हो। हे प्रभु इसी जगत में माताएं जो पति को पति रूप में ग्रहण करती हैं, हर जीवन में देखना संखा पहनते हैं, मांग भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, लेकिन हर जीवन में ये संखा टूट जाती, मांग मिट जाती। लेकिन कब तक ये मांग मिटती रहेगी, कब तक ये संखा टूटते रहेगी। जो असली पति आप हो, जब तक जीव आपको पति रूप में ग्रहण नहीं करते हैं तब तक ये शरीर छूटते रहेगा, ये सखा टूटते रहेगी और मांग मिटते रहेगी। लेकिन जब आपको एक बार पति रूप में वर्णन कर ले है तो ये सखा कभी टूटेगी नहीं, ये मांग कभी मिटेगी नहीं। इसलिए कहते ना ऐसे बर को क्या भरे,
जो जन्मी और मर जाए बराबरी और गोपाल दिशा जो चुड़ल अमर हो जाए। उसने ये पत्र लिखकर के कृष्ण को दे दिया और कृष्ण पत्र पा कर मैंने और मैंने रुक्मणी ये बताए आप मेरे को उद्धार कैसे करोगे, मैं तो अंदर में रहूंगी। बोले प्रभु हमारी एक नियम है। बोले क्या नियम है? बोले शादी से पहले ये बेटी अपना सहेलियों के साथ में माँ देवी की पूजा करने के लिए जाती है। जब मैं देवी पूजा करने के लिए जाऊँ उसी समय अपना पराक्रम को बचा बजाओ, इसलिए पराक्रम को दिखा करके आप मेरे को यहाँ से उद्धार करना। उनने सब कुछ डिटेल से रूप में लिख दी। अभी शिशुपाल को जब पता चला रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करती है, कृष्ण को पराक्रम देखो तो पता है, वो पहले से ही सारे सन्यास सामंत को लेकर के आया था, सारी तरफ में घेर लिया। अगर कृष्ण आएगा तो सब मिल करके उनको परास्त करेंगी। इतने में रुक्मिणी अपना सहेलियों को लेकर के माँ देवी मंदिर में गई, वहां पर शंकर और पार्वती साक्षात रूप में वहां प्रकट हुई और वेद मंत्र से कृष्ण रुक्मिणी को अपने शादी करा दिया। लेकिन ये बात किसको पता नहीं चली। इतने में कृष्ण जब पूजा करते हुए निकली, रुक्मिणी बोल रहे हैं कभी जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी स्वयं, माँ लक्ष्मी ये स्वयं। जब उसने निकली ये सामने क्यों खड़े करते हो, ये बीच में जो माता है इनको बैठा दो, ये बीच में कोई इसको आने मत दिया करो। इसलिए जब माता जगत जननी माँ स्वयं, ये लक्ष्मी स्वयं जगत जननी माँ लक्ष्मी है, जब उसने अपना घूंघट को उतारी, इतने सुंदरी थी रुक्मिणी जिनकी रूप को देख करके जितने सन्यास सामर्थ वही बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए इतने में कृष्ण वहां प्रकट हुए, प्रकट होकर उन्होंने रुक्मिणी को हाथ पकड़े और उन्होंने रथ में बैठाए और उनको लेकर के चल पड़े। थोड़ी देर बाद में सन्यास सामर्थ को होश आया, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ गई? बोले भैया जिसकी थी उसने ले करके चला गया है। तो बोले मारो मारो पीटो पीटो। इतने में श्री दाऊ भैया श्री बलदेव प्रभु आए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत कर रुक्मिणी को लेकर के जा, मैं इनको निपट लेता हूँ। बलदेव प्रभु निकाले अपना हाल और मुसल को और निकाल करके सबको मार मार कर वहां से भगा दिए और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के गए कहाँ? रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में गए और वहां बड़े बड़े धूमधाम से वहां पर उनकी शादी हुई। देखो ये कथा की शिक्षा क्या है, ये चीज को समझो। कभी ये रुक्मिणी कौन है, कभी जीव है, लेकिन इनका प्रेम कृष्ण के प्रति कैसे हुई है? पर नारद जी से जब उन्होंने कथा सुनी, नारद जी जब उन्होंने कथा सुनी कहते ना बिनु शब्द संग विवेक नाम होई और नाम कृपा बिनु सुलभ नाश होई। जब तक जीवन में संतों का संग नहीं हो, भगवत कथा नहीं सुने, तब तक प्रभु का प्रति रुचि नहीं होता है। इसलिए रुक्मिणी जैसे कृष्ण कथा सुनते सुनते उसका प्रेम कृष्ण के प्रति हो गया और उसने क्या की, उसने एक पत्र लिखी। बोले किसको पास में? बोले कृष्ण को पास में। बोले माध्यम कौन था? बोले माध्यम था ब्राह्मण। बोले ये ब्राह्मण कौन? बोले सदगुरु। ये ब्राह्मण कौन? सदगुरु। हम डायरेक्ट प्रभु को भजन भजन करके प्राप्त नहीं कर सकते, डायरेक्ट प्रभु किसी को नहीं मिले। भगवान राम भी भगवान है लेकिन उनको गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। कृष्ण भी भगवान है, उनका गुरु कौन थे? शांति पर निवासी थे। ये भगवान हो करके भी उन्होंने जीवन में गुरु ग्रहण किया, क्योंकि गुरु के बगैर जीव को ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए जो बीच में ये ब्राह्मण सदगुरु है जो जीव का जो खबर कहाँ पर पहुंचाते हैं? भगवान तक पहुंचाते हैं, ठाकुर तक उन्होंने पहुंचाते हैं। फिर भगवान कृष्ण आकर के फिर जीव को उद्धार करते हुए भव सागर से ले जाते हैं। अभी ये कृष्ण रुक्मिणी अभी आएंगे, आने का बाद आप लोगों ने जो साड़ी लाए हो हैं, जो कुछ साड़ी और जो कुछ आप चढ़वाना चाहते हो कृष्ण रुक्मिणी को, जब यहाँ पर बैठेंगे आप उसी समय में जो साड़ी और जो कुछ चढ़ाना चाहते हो उस समय में आप लोग चढ़ा लेना। फिर सुदामा भी आएगा, श्री सुदामा भी आएगा, इसको बाद में फिर आरती और प्रसाद लेके सबके सकते उनको ले आओ। हेलो
सब ग्रंथ पढ़ना और वहां पर भी कुछ ग्रंथ है जो लेना चाहते ग्रंथ लेना। और श्री बलराम प्रभु कल आपने एक पेपर दिया था जिसमें अपना एड्रेस और फोन नंबर देने के लिए आप जाते समय वहीं पर अपना फोन नंबर नाम देने के जाना, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में भक्त लोग आएंगे, आप लोगों को मैसेज कब आएंगे और कब कहाँ कब ये सत्संग होगी यहाँ पर वो मैसेज भेजते रहेगी। जय जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि। पुनरुत्पन्न रमण भगवान की जय। I'm not
मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, श्रीराम सुंदर की Thank you.
Yeah.
प्रेम से हाथ उठा के ऊपर हाथ उठा कर क्या करना है आपकी धुन लगा के सबको हाथ उठा के सब लोग सभी लोग बैठ के दर्शन करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे आइए सुदामा जी की झांकी आ रही है सभी बैठ जाए बीच में रास्ता खाली करो बीच में रोक दो सुदामा जी हरे कृष्णा हरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो Thank you.
Hey!
लोग इधर से आप लोग इधर से आना, एक एक करके थोड़ा सा चावल ले जाना अपना पल्लू में और अपना ठाकुर जी घर में, घर में माँ लक्ष्मी रखने तथा को बाद में धीरे धीरे अगर जिसको इच्छा है कि हम माला जब करेंगे, जो इच्छा होगी माला जब करने के लिए वो माला भी ले सकते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हरि ओम 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 हरि ओम
गाड़ी मेरे पास गाड़ी में